सभी को प्रणाम। क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटे से बदलाव की झलक के साथ, है ना? होना चाहिए ना छोटा सा बदलाव, क्योंकि क्लास जो हम कर रहे हैं इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं उसके एक झलक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय सदस्यों का जिन्होंने अपनी फोटो शेयर की, और अगर किसी सदस्य की फोटो गलती से रह गई कि मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, संडे तक जितनी भी फोटो आएंगी उनको इन वीडियो में जोड़ दिया जाएगा और बार बार हम इस वीडियो को देखा करेंगे ताकि हमें रियलाइज हो कि हमने प्रकृति के साथ एक संबंध कायम किया है। तो ये तो वो सदस्य हैं जिन्होंने फोटो भेजी है, अब वो कितने सदस्य हैं जो इस वीडियो से बाहर हैं? ठीक है, संडे तक का टाइम है आप सबको कि आपको वीडियो के अंदर आना है सभी आदरणीय सदस्यों को। ये हमारी एक मेमोरी बनेगी परिवार की कि हम सब ने मिलकर प्रकृति के साथ एक संबंध कायम किया है, हम सबकी एक मेमोरी बनेगी और साथ में एक सुखद अनुभव जो हम प्रकृति के साथ संबंध कायम करके बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ लेकिन अभी तक वो वीडियो में नहीं आए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि छोटी सी शिकायत है मेरी आपसे और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी शिकायत फटाफट दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र इसको बोला जाता है। थ्रोट चक्र मतलब समझ जाइए, थ्रोट चक्र का डायरेक्ट संबंध वाणी से है, ठीक है जी। एंड इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व है, नीला इस कलर का रंग है और यम इसका मंत्र है, ठीक है जी। अब थ्रोट मतलब वाणी, वाणी मतलब शब्द, शब्द मतलब एक ऐसा हथियार जिससे ऊपर कोई चीज है नहीं, मतलब, और तत्व मतलब आकाश, ठीक है जी। तत्व का बिहेवियर भी बहुत अलग है इसका, इसका शब्द का बिहेवियर भी अलग होता है। और जब हम बात करते हैं कि जीवन में अगर आपको किसी चीज से जीतना या हारना है, लाइफ में हमें किसी भी चीज से जीतना या हारना है तो आप किस चीज का यूज करेंगे? शब्द की ताकत का, ठीक है जी। जहां शब्द की ताकत है वहां इंसान किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। अब समझते हैं शब्द कौन से, शब्द दो प्रकार के शब्द होते हैं हमारे विशुद्धि चक्र में। एक जिसे कहा जाता है कि ये विचार है, मतलब मैंने साउंड नहीं मिलाया उसके अंदर और मैंने कहा ये विचार है, ठीक है जी, वो भी शब्द है और वो स्वतंत्र है, एक बार मेरे दिमाग से बाहर निकला तो वो स्वतंत्र है। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं, ये तत्व ना सिर्फ हमारे प्लेनेट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है
बल्कि हमारे सौर मंडल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। इसने गोल प्लेनेट के ऊपर, आकाश तत्व ने गोल प्लेनेट के ऊपर हम लोगों को थाम रखा है, ठीक है जी। और ये रिक्त है, बिल्कुल रिक्त है, आकाश बिल्कुल खाली है, लेकिन आकाश कभी खाली नहीं दिखता। आकाश में हमेशा आपको बादल नजर आते हैं, बहुत सारे बादल, ठीक है जी। और बादलों का मतलब, बादल क्या है, ठीक है जी, ऐसा क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके साथ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उसी कैटेगरी के लोग मेरे आसपास आ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है आपके जीवन के अंदर, सोचा कभी इस बात पे? आकाश में जो बादल हैं, आकाश में जो बादल हैं, वो बादल शेप कैसे लेते हैं? बचपन में आप देखते थे कि बादल में इमेजेस बनती हैं, बादल शेप लेते हैं, ठीक है, और क्लाउड रीडिंग भी होती है खैर, लेकिन वो बादल शेप कैसे देते हैं? जब मैंने कुछ सोचा तो विचार मेरे दिमाग से तो निकल गया। आपने कुछ सोचा तो आपके दिमाग से भी वो विचार निकल गया। चलो हम सब एक बार सोचते हैं, एक मिनट के लिए अपने दिमाग में एक विचार लेके आते हैं। वी आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, सब अपने अपने लिए बोलते हैं। आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, अब बोलना नहीं है सिर्फ सोचना है। आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है जी, मन में बोला और सोचा, दोनों ही आजाद हुए ना, एक यहां से आजाद हुआ, एक यहां से आजाद हुआ, दोनों शब्द आजाद हुए, लेकिन दोनों गए कहां, इनका ठहराव कहां पे है? ये दोनों शब्द एक ही जगह पे गए हैं, सेम वाइब्रेशन, सेम आदमी, सेम थॉट पैटर्न, सब कुछ सेम, दोनों शब्द एक जगह पे गए हैं, लेकिन एक साउंड के साथ गया है और एक विदाउट साउंड गया है। मैं पूछता हूं कैसे, कहां ठहराव होता है? आकाश तत्व का ठहराव कहाँ होता है? और हमारा टोटल जो भी कुछ हम सोच रहे हैं, बिलियंस ऑफ लोग, वो इतने सारे विचार अगर फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल करते हैं, तो सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसी है ना, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है जी, सारी की सारी फ्रिक्वेंसी के अंदर इतना ट्रैफिक होगा कि विचार विचार से टकराएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? एक आदमी के दिमाग में 70,000 विचार हो जाते हैं, कॉमन मैन के अंदर। कुछ और ज्यादा जिनके राहु गुरु की दशा खराब चल रही होती है, उनको और भी ज्यादा आते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बात करते हैं, सिंपल सा फंडा, कितने बिलियंस की जनता है हमारे देश में, कितने बिलियंस? सब 70,000 सोच रहे हैं, आइडिया लो अब। अब इतने विचार पृथ्वी कैसे होल्ड कर पा रही है? सारे के सारे विचार ट्रेवल कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी? और अगर वो ट्रेवल कर भी रहे हैं तो उस एक फ्रिक्वेंसी पे ट्रेवल कर रहे हैं, उस फ्रिक्वेंसी को ईंधन कौन दे रहा है, उस फ्रिक्वेंसी के पास ईंधन कहाँ से आ रहा है? अब जब इतना सब कुछ सोचेंगे ना, तो कहेंगे बड़े ऊपर की बात चली गई है, ये सारा का सारा गेम है आकाश तत्व का, ठीक है जी। आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे, सचिन तेंदुलकर इसमें बड़ा फेमस रहा है, उसने अपने आकाश तत्व पे बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि उसको अपनी वाणी की वजह से पहले क्रिटिसाइज किया जाता था, फिर वो अपनी वाणी की वजह से ही बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। सचिन तेंदुलकर की कभी ये पहचान है, उसने गुस्सा किया। अगर सलमान खान और सचिन तेंदुलकर को साथ साथ खड़ा कर दें, तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या निकालोगे आप? कि वो आदमी ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, वो बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान है, चाहे उसको भगवान की डेजिग्नेशन मिली हुई है अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। और सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी लगाता था तो क्या करता था? दोनों हाथ ऊपर और आकाश की तरफ देखता था, यही करता था। बाकी लोग क्या करते हैं? जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है, किसी सक्सेस को अचीव करने के बाद आकाश की तरफ क्यों देखता है, आकाश तत्व की तरफ क्यों देखता है वो आदमी? ये तत्व हमारे भीतर और बाहर दोनों की शक्ति का प्रतीक है। ये तत्व, आकाश में कोई भगवान नहीं है, आकाश तत्व को माना जाता है बुद्धि,
पावरफुल बुद्धि, जिसने आपको, आपकी विल पावर को होल्ड करके रखा हुआ है, आपकी सारी शब्दवाली को होल्ड करके रखा हुआ है। आकाश में जो बादल बनते हैं ना, आकाश में जो बादल बनते हैं, ये सिर्फ बादल नहीं है, विज्ञान से जानो कि बादल के अंदर क्या है। बादल के अंदर वो ईंधन है जो हवा की स्पीड से अगर आप एक विचार को उड़ाते हैं, मान लो, ठीक है जी, हवा से एक विचार को उड़ाते हैं, तो आपका विचार उड़ेगा लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है जी, बिना आकाश तत्व के। और आकाश तत्व ऐसा ईंधन है कि इधर मैं बोल रहा हूँ उधर आप सुन रहे हो, या हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं, न्यूयॉर्क से बात कर रहे हो, यूएसए से बात कर रहे हो, और ये जो फ्रिक्वेंसी है ये कहाँ पे है, सारी की सारी हवा में, नहीं, सारी की सारी फ्रिक्वेंसी आकाश तत्वों के द्वारा ड्राइव होती है, और आकाश तत्वों के अंदर सारी की सारी फ्रिक्वेंसी को ड्राइव होने के लिए परमाणु चाहिए और गति चाहिए, परमाणु और गति और नीचे की चार चीजों का होल्ड आकाश तत्व के पास है। हमारे प्लेनेट का आकाश तत्व इतना ज्यादा मजबूत है पूरे सौर मंडल के अंदर, इसी वजह से इसने हमें थामा हुआ है, इसी वजह से हम इससे बुद्धि, शक्ति, अट्रैक्शन, हर एक वो चीज रिसीव करते हैं जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे आपकी अटूनमेंट से लेके, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके, आपका एनएलपी से लेके, सारी साइंस आ जाएगी। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं यूनिवर्स का ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, जो भी मुझसे बात करता है मेरा फैन हो जाता है, ये सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसी है ना आकाश तत्व के पास। और बादल ट्रेवल करते हैं थॉट्स को लिए लिए, आपके जो विचार हैं वो आकाश तत्व में ही ट्रेवल करते हैं 24x7, ठीक है जी। एक कौवा चिल्ला रहा है एक जगह पे बैठ के, तो बाकी कौवे भी वहां के आके चिल्लाने लग जाएंगे। एक विचार जो मेरे दिमाग से निकल गया वो सिर्फ अपनी ऊर्जा को बदलेगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगा। तो जो विचार हमारे पास आते हैं क्या ये हमारे होते हैं? कभी सोचा आपके पास इतने नए नए विचार आते हैं कहाँ से आते हैं? क्या ये हमारे विचार हैं? इससे पहले कभी सोचा कि इतने नए नए आइडिया आते हैं, नए नए विचार, वो चीज पहले भी कहीं सोच ली गई है, वो घटना पहले भी कहीं घट चुकी है। आकाश तत्व की वजह से ही हम टाइम और स्पेस के दायरे में आते हैं। टाइम और स्पेस के दायरे में आने की वजह से ही हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आकाश तत्व का डायरेक्ट संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से। अगर आकाश को शब्द भी कहा जाए, आकाश ना कह के, तो कोई गलत बात नहीं है, मतलब ये शब्द भी है। आसमान में क्या है? आसमान में देवताओं का स्थान नहीं है। आसमान को देख के मानव जाति के अंदर विचार आए, इसीलिए उन्होंने क्या कहा आसमान को, कि यहां से हमें क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, ठीक है जी। बुद्धि का मतलब विचार मिलते हैं, क्रिएटिविटी मिलती है, अपनी प्रॉब्लम्स के हल मिलते हैं, हर एक वो चीज मिलती है जो हमें चाहिए, ठीक है जी। इसीलिए अगर आप आध्यात्मिक लैंग्वेज में समझते हैं कि आसमान में भगवान है, मैं अपनी क्लास में कई बार बोलता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ऊपर है, भगवान ऊपर है ही नहीं है, ऊपर बुद्धि है हमारे, ठीक है, भगवान तो भीतर है, ऊपर बुद्धि है। और वो बुद्धि कैसे काम करती है? जब हम अपने अपने यहाँ से कुछ कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं और वहां से कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट आती है। क्लाउड रीडिंग का रिजल्ट पता है कितना आप लोगों को? क्लाउड रीडिंग जो लोग करते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और क्या नाम है, टैरो कार्ड, ये सब कुछ करते हैं, ऐसे ही एक आता है क्लाउड रीडिंग। अपने इंडिया में कम करवाते हैं उस कोर्स को बहुत। क्लाउड रीडिंग अगर आपको आ जाए ना, तो बाकी की 5-7 विद्याएं ऑटोमेटिक आ जाएंगी आप, ऑटोमेटिक, ठीक है जी। क्लाउड आपको क्लियर मैसेज देते हैं, क्लियर एकदम, आपको सोचना भी नहीं पड़ता क्योंकि वो बुद्धि तत्व है आपका। दूसरा वाणी है, वाणी का मतलब ये साउंड के साथ भी इसका पूरा, हार्ट के साथ भी इसका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति
विशुद्धि चक्रा का परम यूज करता है तब क्या होता है? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्वामी विवेकानंद, जब आप अपने बुद्धि का सर्व उच्च वो यूज करते हो तब क्या होता है भाइयों और बहनों? ठीक है जी, एक आवाज पे, शब्द पे, एक खिलाड़ी को अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, साइलेंट रह के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन एक वाणी का जो मालिक है, जिसके पास वाणी शब्द है, वो सिर्फ अपने एक शब्द से नाद क्रिएट कर सकता है। ओशो की इंटायर कॉन्शियसनेस का सीक्रेट उसका विशुद्धि चक्र रहा है, इंटायर कॉन्शियसनेस का सीक्रेट। पहले तो उसकी आंखें देखो आप ओशो की, ठीक है जी। अब पता नहीं आप बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हो कि नहीं, ओशो की आंखें कभी नीचे की तरफ नहीं रहती थी, उसने कभी अपनी आंखें नीचे की तरफ रखी नहीं बोलते हुए, और ना ही उसने अपने पोस्चर को कभी नीचे की तरफ रखा। उसका पोस्चर ये होता था, गर्दन ऐसे पीछे की साइड रखा था, ऐसे ऐसे देख के बात करता था। ओशो एक नहीं, हजारों पिक्चर नेट पे है, हजारों पिक्चर नेट पे है, ओशो आपको झुका हुआ नजर नहीं आएगा कभी। ओशो की पिक्चर ऐसे मिलेगी, ऐसे मतलब आसमान की तरफ देखते हुए बात करना, ठीक है। दूसरा, चाहे आप पहली बार सुनो चाहे आखिरी बार, जितना हिप्नोटिक वेव उसकी आवाज के अंदर है, उतना अभी तक किसी संत की आवाज के अंदर हिप्नोटिक वेव नहीं आया। मतलब उससे जितनी जल्दी लोग प्रभावित हो जाते हैं, उसकी साउंड से, वो तो नहीं है अभी, उसके साउंड से जितनी जल्दी लोग प्रभावित हो जाते हैं, उतना कोई नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट कीजिए, चार वीडियो निकालिए यूट्यूब से, एक उसके ओरिजिनल वॉइस की और तीन जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस शो को, आपको समझ में आ जाएगा गेम पूरा का पूरा। एंड जो उसका पोस्चर है, वो पोस्चर सीधा सीधा कहता है कि उस व्यक्ति ने जो कुछ पाया, बोला ही तो सिर्फ, और क्या किया, बोला ना सिर्फ, कौन सा तत्व, आकाश तत्व, पक्का कंट्रोल, पक्का सिस्टम बनाया अपना, सारे के सारे पोस्चर ऐसे, सोफे पे क्यों बैठता था, नॉर्मल जगहों पे क्यों नहीं बैठता था, ओशो जहां जाता था उसकी कुर्सी साथ जाती थी, क्यों जाती थी ओशो की कुर्सी साथ में, उसको वही चीज चाहिए था, ये कनेक्शन अपना। तो आकाश तत्व का मतलब है आप वाणी से बहुत धनी है, ठीक है। और जिसके पास आकाश तत्व होगा, उसके बाकी के चार तत्व ऑटोमेटिक सेट होंगे। मेरा तो नाम ही आकाश है, मैं तो अपने नाम से ही बड़ा खुश हूँ, ये डबल वरदान मिला है मेरे को, नाम ही ये मिला है। ओके, तो इस तत्व की सबसे खास बात समझते हैं क्या है, वाणी पे अगर आपने कंट्रोल, सॉरी इस चक्र में अगर आपने वाणी पे कंट्रोल पाना है, वाणी आपके नीचे के सारे चक्रास को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, ठीक है जी, वाणी में साउंड है, ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ साउंड जा रहा है, साउंड बाहर भी करता हूं मैं अपनी ऊर्जा को वाणी से बाहर भी करता हूं और अपनी ऊर्जा को वाणी से अंदर भी लेता हूं। आप समझो कैसे, एक आदमी जो बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा, या फालतू बोलता रहेगा, इधर उधर की बात करता रहेगा, क्या विचार एनर्जी नहीं लेता उसकी? दो प्रकार की टॉक आप अपनी लाइफ में करते हो, एक टॉक वो जिसमें कुछ नया है, ठीक है, एक टॉक वो जो हम कर रहे हैं। मान लो बहुत सारी चीजें जब मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए भी नहीं होती, या आप सुन रहे होते तो आपके लिए नहीं होती होंगी वो चीजें, हो सकता है आपके लिए नहीं हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। इस टॉक में ना हमारी ऊर्जा हाई होगी हम लोगों की, हमारी ऊर्जा लो नहीं हो सकती क्लास के अंदर, जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ नया और पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा हमेशा हाई होगी, और जैसे ही आप नेगेटिव टॉप पे बात करना शुरू करोगे, थोड़ी देर में आपकी ऊर्जा भी लो होगी और सामने वाले की ऊर्जा भी लो होगी। सामने वाला भी कहेगा यार इस आदमी के साथ नहीं बैठना, या फिर आप किसी लायक ही नहीं बचते। एक नेगेटिव आदमी के साथ बैठने के बाद कुछ टाइम के बाद आप किसी लायक ही नहीं बचते, आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हो, आप अपनी ऊर्जा को खोके चले आते। आपके इंटायर ओरा के अंदर सबसे ज्यादा इंटरफेयर किसका है, आकाश तत्व का। कैसे, कि ओरा मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा जहां मेरे फिंगर्स खत्म होंगी, ठीक है जी। तो इस बीच में सारा का सारा स्थान जो है ना वो आकाश तत्व के पास, और इस पूरे के पूरे स्थान में ना
मेरे दिमाग में उठने वाले विचार हैं। तो विचार मतलब मेरे सबसे करीब है, शब्द सबसे मेरे ज्यादा करीब है, और शब्द बॉडी पे नहीं अटैक करता, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, शब्द हमेशा भीतर अटैक करता है। ठीक है जी, ये एक मतलब परम सत्य है कि इसके बारे में बोला जाता है कि तलवार से सिर्फ आप किसी के शरीर को काट सकते हो, और जुबान से आप किसी की आत्मा को भी जख्मी कर सकते हो, और जुबान से ही सारे रिश्ते हैं आपके। सारा रिलेशनशिप किसके ऊपर है? जुबान के ऊपर। जुबान से ही आप लोगों को बुरा लगता है जब कोई आपके बारे में बुरा लगता है। जुबान मतलब मेरे शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, ये समझ लो। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत का नाम है आपका शब्द, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। शब्द से आप अपना औरा भी बना सकते हो, शब्द से आप किसी का औरा घटा भी सकते हो। इसके एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दूंगा मैं आपको। शब्द से आप किसी पौधे को सुखा सकते हो, और शब्द से आप किसी पौधे को नया जीवन दान दे सकते हो। ऐसा करते हैं ना, जब आप किसी पौधा कोई पौधा सूख रहा हो और आप उसको प्यार करो, उसके साथ अच्छी अच्छी बात करो, वो पौधा दोबारा उग जाएगा। और अगर आपने उसको गाली दे दी, मेरे को नहीं रखने गमले, कूड़ा करते हैं ये, अगली बार नहीं लगाएंगे, बस ये लास्ट है, आप बोलो वो समय से पहले चले जाएंगे, शब्द आपके पौधा आपके घर से समय से पहले चला जाएगा। शब्द वो शक्ति है जो आत्मा पे बात करती है सीधी, इसीलिए कहते हैं कि सोल के लेवल पे माफी होनी चाहिए, सोल के लेवल पे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सोल के लेवल पे हैप्पीनेस होनी चाहिए, सोल के लेवल पे हमारे पास हर चीज होनी चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तत्व सोल के लेवल पे ही बिहेव करता है सारा का सारा। और इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर कोई बच्चा हकलाता है, उतलाता है, तो आकाश तत्व गड़बड़ है। कोई व्यक्ति, आपका थायराइड ग्लैंड आ गया, सांस की नलियां आ गई, गले की नलियां आ गई, आपका गोल्ड ब्लैडर आ गया, आपके पीठ का हिस्सा आ गया, सर्वाइकल आ गया, शोल्डर आ गया, हाथ आ गए, ये सारे आपके इस तत्व से रिलेटेड है, आकाश तत्व से रिलेटेड। अब लोग पूछते हैं कि हाथ नीचे है, ऐसे हमारा ये हाथ नीचे है ना, तो ये आकाश तत्व का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकते हैं, ये नीचे नहीं होते हैं, ये हवा में होते हैं हमेशा। हाथ आपके हमेशा आजाद होते हैं, इससे आजाद आपके पास दूसरा कोई ऑर्गन नहीं है, राइट? सबसे आजाद ऑर्गन है ये आपका, आपके हाथ। इसको आप कहीं भी घुमा सकते हो और इससे आप कुछ भी कर सकते हो अपने हाथों से। तो अपने आप को क्या समझना है? इस बात को समझना है कि मेरे इस चक्र पे महारत, मतलब मानवता में और देवता में जो डेजिग्नेशन होती है देवता, बस एक कदम की दूरी है। मैं संपूर्ण मानव कहलाऊंगा अगर मैंने इस चक्र को संभाल लिया, और ये चक्र ही आपको अमरता का वरदान देता है। इसी चक्र से आप अमर हो सकते हो, दूसरे किसी चक्र से आप अमर नहीं हो सकते हो। आपका विचार कभी मरता नहीं है। अगर आज बुद्ध जिंदा है तो इस चक्र की वजह से जिंदा है, या कोई भी संत जिंदा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप मान, जिसकी विचारधारा आपके पास है, वो उसके विशुद्धि चक्र की वजह से है। अगर आपके विशुद्धि चक्र में दम है तो आप जिंदा हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर शरीर की बात नहीं कर रहे, आप अपने गुरुओं को कैसे सुनते हो? वाणी में, वाणी में सुनते हो गुरुओं को जो इस दुनिया में नहीं है? याद कैसे करते हो? शब्दों पे, उनके शब्दों से या अपने शब्दों से याद करते हो? जो व्यक्ति अपने इस चक्र को मजबूत कर लेता है, वो व्यक्ति रिश्ते निभाने में बहुत माहिर होता है। और ये चक्र तक ऊर्जा आना मतलब हाफ ऑफ द आज्ञा चक्र आपका एक्टिव है। अगर इस चक्र पे ऊर्जा है तो इसके ऊपर के जो चक्र है ना, ऊर्जा देने वाले चक्र है, नीचे वो लेने वाले चक्र नहीं है। उनको इसकी इनकी ऊर्जा चाहिए नहीं। आज्ञा चक्र को नीचे के पांच चक्रों की ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, वो ऊर्जा इनको दे सकता है, इनकी ऊर्जा ले नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सपोर्टिंग फंक्शन है इसके पास। ऐसा सपोर्टिंग फंक्शन है कि ये चक्र अगर हमारा एक्टिव है तो आपका कोई रिश्ता खराब नहीं हो सकता। इसके नीचे आता है हार्ट चक्र,
हार्ट और विशुद्ध चक्रातल में आपको रह रहा वायु और आकाश जो कि हमें जिंदा रखते हैं, कहां पे? शब्दावली में, जितने भी शब्द हैं उसके अंदर हर एक विचार हमारा जिंदा है और अलग फॉर्म में है। इसीलिए कहा जाता है मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, या एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, राइट? एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं ना, कैसे हो सकते हैं? शब्द तो एक ही था, अब उसके मीनिंग और डेफिनेशन अलग कैसे हो गए? क्योंकि उसकी ऊर्जा चेंज हो गई, और उसकी ऊर्जा चेंज होती ही रहती है। क्यों ऊर्जा चेंज होती रहती है? ऊर्जा को चेंज करने के पीछे भी हम ही कारण है। जब दो चीज टकराती हैं तो तीसरी नई किसी चीज का जन्म होता है। जब विचार से विचार टकराएगा तो तीसरी कोई चीज निकल के आएगी। ये तत्व आपको ना सिर्फ आपके होने, आपके अस्तित्व के अंदर मजबूत करता, इसके बल्कि भौतिक वर्ल्ड में जो कुछ भी आपको चाहिए वट एवर, वो आप सिर्फ इसी चक्र से पा सकते हैं। नाम मणिपुरम और स्वाधिष्ठान होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन चक्रों से अपने भौतिक वर्ल्ड को विजय कर सकते हो। इस चक्र से आप कैसे भी भौतिक वर्ल्ड को विजय कर सकते हो, एक नहीं 1000 एग्जांपल है। दुनिया का कोई भी अमीर आदमी अपनी आवाज से ही बात करता है, बस पैसे लेके नहीं घूमता, ठीक है? वाणी सबसे बड़ी है, ठीक है? चाहे आप बदनाम हो, चाहे आप बहुत कामयाब हो, उसके पीछे जिम्मेदार आपकी वाणी रहेगी हमेशा हमेशा। जितना फेमस मोदी है उसका 1/3 तो ओवैसी भी होगा, नेगेटिव में सोचते हैं हमारे लिए हम उसको, ठीक है जी? और वैसे संसद में सुषमा स्वराज को कैसे पहचाना जाता था? वाणी से, वाणी थी उसके पास, नहीं तो उससे बड़े बड़े नेता थे उनको पहचाना गया। अटल बिहारी वाजपेयी को किस नाम से जाना जाता है? वाणी से। जिसके पास वाणी है वो अमर, जिसके पास वाणी है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे कोई नहीं छीन सकता, और वाणी से ही ग्रेटिट्यूड दे सकते हो आप किसी को। दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो मैं यहां से बोलूंगा या मैं यहां से सोचूंगा, लेकिन मैंने अगर किसी को ग्रेटिट्यूड देना है तो वाणी से। मैंने किसी को क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिशिएट करना है तो वाणी से। मैं किसी भी व्यक्ति को क्या नाम है अपने साथ जोड़ना चाहूंगा तो वाणी से। हम और आप कैसे जुड़े हुए हैं? व्हाट्सएप के मैसेज से। व्हाट्सएप के मैसेज नहीं डाल रहा मैं आप लोगों को 5 दिन से, मेरे पास समय कम होता है, 1-2 ग्रुपों में डालता हूँ बस। वाणी से जुड़े हुए हैं ना, वाणी के अलावा कुछ? आकाश तत्व इतना पावरफुल है कि अगर आप न्यूक्लियर बम भी फोड़ दो ना और आकाश ना हो तो आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते। कोई ढोल बजा लो, कोई डीजे बजा लो, कोई तोप चला लो, कोई बंदूक चला लो, आप कोई साउंड नहीं सुन सकते अगर आकाश नहीं हो ऊपर, ठीक है जी? तो ये इस तत्व की खासियत है। विज्ञान इसके ऊपर बहुत काम कर चुका है, और विज्ञान ने इस बात को माना कि लोग कहते हैं आकाश से तो खाली। सवाल बड़ा अच्छा था ना, बादल कैसे घूम रहे हैं, बादल क्या लेके घूम रहे हैं अपने साथ में, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर कैसे चला गया, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, कैसे बैठ के देख लेते हो नीचे कि भैया दिल्ली में जाना है, रोहिणी में, फ्लैट नंबर डाला और सीधा लोकेशन मिल गई आपको, ये सैटेलाइट काम कैसे कर रहे हैं आपके, इतनी सारी टेक्नोलॉजी कैसे आपके हाथ में आ गई सीधी की सीधी। उस सबके पीछे आकाश तत्व का एक बहुत बड़ा रोल है, और विशुद्धि चक्र के साथ ही अटैच है, तो इसका मतलब हर आदमी कुछ भी बोलने के लिए आजाद है। आकाश तत्व आजाद है, इसीलिए इस तत्व की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, कैसा भी बोलो, ये आपके साथ वैसा ही काम करे। लेकिन मैंने आपको क्लास 1 में बताया था व्हाट इज ओरा, सेकंड क्लास में, और व्हाट इज ओरा में मैंने आपको बताया था कि ओरा में 2 ओरा होते हैं, 1 इज यूनिवर्सल ओरा एंड 1 इज मेंटल ओरा। आकाश तत्व आपके इंटायर मेंटल ओरा का हिस्सा है, मतलब पूरी विचारों का जो ओरा है, दायरा है, वो आकाश तत्व का है। अब कहा जाता है, मैंने आपको क्लासेस में कुछ शब्द बोलता हूँ उसके मीनिंग शायद हमें उस टाइम बड़ा लगते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद को यूनिवर्सल कर दिया, इसी वजह से वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया।
ये कहा था ना मैंने आप लोगों को क्लास में, आकाश तत्व का मतलब है खुद को विराट कर लो, आजाद कर लो, और खुद को जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा कर लो। ये इस तत्व की खासियत है। जितना विराट आप होना चाहते हो, जितना विराट आप करना चाहते हो खुद को, उतना कर लो। लेकिन अगर आपका मेंटल ओरा बीच में है तो आपका मेंटल ओरा आपको क्या नहीं होने देगा, आपका मेंटल ओरा आपको बड़ा नहीं होने देगा, आपका मेंटल ओरा आपको घेर के रखेगा। इसीलिए कहते हैं बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो, बोलते हैं ना मेरा मेंटल ओरा फंसा हुआ है 5 आदमियों के बीच में, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, ना मैं उसको माफ कर पा रहा हूँ, ना मैं उसको छोड़ पा रहा हूँ, क्या कर लोगे अब आप बड़ा सोच नहीं पा रहे, आप बड़ा कर नहीं पा रहे, और आप अपने अपने तत्व के इस लिमिटेड घेरे के अंदर आपने अपने आप को रखा हुआ है, और उसके बाद आप कहते हो कि ईश्वर ने मुझे कोई मौका नहीं दिया, या मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ वैसा हुआ। हर अध्यात्म की क्लास में आपको ये बात तो समझाई जाती है, क्वांटम फिजिक्स में भी ये बात समझाई जाती है, खुद को विराट करने के लिए आकाश तत्वों को से आपको अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। और आकाश से तुम्हें वाणी, वाणी से मैं कोई भी रिश्ता बना सकता हूँ, वाणी से मैं किसी के साथ भी जुड़ सकता हूँ, वाणी से मैं बड़े से बड़ी लड़ाई को जीत सकता हूँ। संवाद से ही सुलझाना चाइना डोकलाम, संवाद से ही चीन और थाईलैंड की कौन सा देश था ताइवान लड़ाई होते होते रुकी लास्ट मोमेंट के ऊपर, और वाणी से ही रशिया और यूक्रेन लड़े। शब्द का वाइब्रेशन है, सारा गेम वाणी का है। इसीलिए जितने बड़े लेवल का आदमी होगा उतना कम और उतना सोच संभल के बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तत्व कमाल है, ये चक्र ऐसा है जो बड़ा बवाल कर सकता है आपके जीवन के अंदर। और बिना वाणी के आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, बिना वाणी के आप स्वयं की पहचान को नहीं ढूंढ सकते, बिना वाणी के आप अपने आप को विराट नहीं कर सकते। अब ऐसा लग रहा होगा कि भैया कहाँ फंसे, अभी तक तो हार्ट चक्र की बात हो रही थी, ये कहीं और ही गेम चली गई है यहाँ पे। एग्जैक्टली कहा जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते ना वो आपके जीवन में घट रहा है। इसलिए हमें हर घटना के ऊपर नजर रखनी चाहिए, खुद को दृष्टा और साक्षी बना के, ताकि हम उस गहराई को, जब हम कहीं फंसे तो हमें अपनी गहराइयों का अंदाजा हो कि मैं कितनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ। अब ये तत्व जो है ये कहता है जो बोलोगे वो पाओगे, ठीक है, पूरा का पूरा आप पढ़ लो, चाहे द सीक्रेट, द मैजिक, या जोसेफ मफी, या दुनिया का कोई भी मोटिवेशन ट्रेनर, कुछ भी पढ़ लो, ये तत्व कहता है जो सोचोगे वो पाओगे, जो बोलोगे वो पाओगे, ठीक है जी। और आप आजाद हो, आपकी किस्मत इसी से बिलोंग करती है, पूरी की पूरी इंटायर लक जो है आपका आकाश तत्व से बिलोंग करता है। अब बताओ क्या सोचना चाहोगे और क्या पाना चाहोगे, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। अब कहोगे सर जी टांग में दर्द है, सर जी सिर में दर्द है, यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है, जो आप बोल रहे हो ना उसी का बादल मंडरा रहे आपके आसपास, जो आप सोच रहे हो ना वही तरंगे आपके आसपास कनेक्टेड है। इसलिए मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, उल्टा बोलो। कहते जो उल्टा कैसे बोलना है, उल्टा भी मुंह से ही बोलना है, उल्टा बोलो जैसे सीधा बोला वैसे उल्टा बोलो। डोंट से कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, से मैं एक सोल्यूशन को ढूंढ रहा हूं, डोंट से मैं परेशान हूं, आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, बोल के देखो फिर एहसास देखो कैसे होंगे और आपके जीवन में बदलाव कैसे होंगे। कहने में लगती है चीजें मुश्किल, जब करने पे आएंगे ना आप इन चीजों को, थोड़े ही दिन में बहुत आसान लगने लगेंगी ये चीजें आपको। ये तत्व खाली नहीं है, ये हमारा वहम है कि आकाश तत्व रिक्त है। बोलते हैं लोग मुझे जब वास्तु की बात आती है, मैं किसी का वास्तु करने गया तो बोला जी आकाश तत्व खाली है, यहाँ पे बाहर रख लो, ऐसा कर दो ना। आकाश तत्व की जगह है ना, वहां पे सिर्फ एक ही चीज रखो, व्हाट, विचार, क्या चाहते हो अपने जीवन के अंदर। आपके घर में सबके है ना आकाश तत्व का स्थान, सबके घर में है खाली स्थान, क्या चाहते हो आप वो सोचो वहां बैठ के।
ऐसा वास्तु काम करेगा ना आपका, ऐसा वास्तु काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते उस केस के अंदर। और जहां पे मैं आकाश तत्व को खाली मान के बैठा हूं, तो मैंने अपने आप को खाली मान के बैठा हूं। आकाश तत्व का जो स्थान है, जो खाली स्थान है, अगर मैंने वहां जाके बैठ रिक्त स्थान पे जाके कह दिया कि भैया मैं इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान हूं, तो मैं हूं। अब सोचो वहां पे जाके क्यों बोलना, कि जो खाली स्थान है वही तो मैं अपने हाथ फैला सकता हूँ, नहीं तोड़ जाएगी अलमारी, बेड, पंखा, कुछ ना कुछ। खाली स्थान, और क्यों कहा जाता है खुले आसमान के नीचे ही बैठ के, खुले आसमान के नीचे आनंद आएगा आपको, आप वहां पे आनंदित होंगे, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इस तत्व के वाइब्रेशन को आप ले ही तभी पाओगे। बट हमारी सोच अलग है, हम कहते हैं जी वो आज गर्मी, आज बादल, आज मौसम खराब हो गया, आज ये और आज वो। हमने कभी विचार नहीं किया जो हमारे सर पे अम्ब्रेला की तरह है वो क्या है, जिसने हमें बचा रखा है सारी नेगेटिव रेडिएशन से, वो क्या है? वो आकाश तत्व तो है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। सारी गर्ग मैडम जी, सारी दिशाएं अपनी है, हमारा प्लेनेट गोल है। आपको लगता होगा कि आप नॉर्थ में बैठे हैं, लेकिन प्लेनेट सारी रात घूमता रहता है, आपका सारा दिन घूमता रहता है, इसलिए दिशाओं का वहम नहीं करना चाहिए। सारी दिशाएं अपनी है, सारा आकाश अपना है, सारा प्लेनेट अपना है, सारा संसार अपना है, ये मान के चलना है, क्योंकि ऊपर सब एक जैसा है। दूसरा, वाणी, वाणी पे जब आते हैं, जिनका आकाश तो कमजोर होता है वो कहाँ फंसे होते हैं? वो फंसे होते हैं अपनी बात को परफेक्ट तरीके से ना रख पाना, अपनी बात को अच्छे से ना समझा पाना। मतलब मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है जी? अब ये रहता है आपके मेंटल ओरा में। अगर मैं आप बोल नहीं पा रहे तो आपके मेंटल ओरा में वो बात है, आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी? डब्बू किस्म की पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है? उसी मोमेंट पे आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो जाएगा, उसी मोमेंट के ऊपर आपके दूसरे सारे चक्रास इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, तो मतलब मैं अपने आकाश तत्व का परफेक्ट यूज कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात, कामयाब कौन है? जो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाता है वही कामयाब होगा ना। जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाएगा वो कामयाब होगा क्या? तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल, जिस भी आदमी के पास प्रेजेंटेशन स्किल है, मतलब वो आकाश तत्व के साथ कनेक्टेड आदमी है, जो अपनी बात आपको समझा पा रहा है। जो अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा, वहां गड़बड़ है। और अंदर दबा दी आवाज, तो वो आपके मेंटल होना से आपके ऑर्गन के ऊपर अटैक करेगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सबसे ज्यादा इफेक्ट अमावस और पूर्णिमा पे आप लोगों की पर्सनैलिटी पे क्यों होता है? क्यों होता है आप लोगों की पर्सनैलिटी पे? जो लोग इमोशनल डब्बू या नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, पूर्णिमा पे रोते हैं, एक दिन पहले डर जाते हैं, ये अमावस पूर्णिमा पे आ रही है, हमारी हीलिंग कर दो, ऐसा होगा वैसा होगा। क्योंकि चंद्रमा बहुत करीब है आकाश तत्व के, और चंद्रमा का जब वाइब्रेशन आता है तो हो जाता है काम वहां पे उन लोगों का। ये आप जिस थॉट को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो थॉट आपके बिल्कुल पास आ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कलर मून क्या है? आपका प्लेनेट सबसे करीब है हमारे, और मून की वजह से ही वेग बनता है समुद्रों के अंदर। वेग का सीधा असर किस पे आता है? क्लाउड के ऊपर, आपके प्लेनेट के ऊपर। जितने भी मौसम बनते हैं, उस मौसम बनने में अमावस और पूर्णिमा का तो बहुत बड़ा रोल है। जो पृथ्वी पे 7 समंदर हैं, सातों समंदर में वेग बनता है, और वेग बनने से ही सारे एनवायरमेंट चेंज होते हैं। और वो जो वेग बनता है वो बादलों के ऊपर सबसे पहले असर करता है। बादल कहाँ से बनते हैं? और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारे मन पे उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, जबरदस्त प्रभाव। इसीलिए हम घबरा जाते हैं ऐसा कुछ होने पे, कि भैया ये क्या हो गया हमारे जीवन के अंदर। आकाश तत्व को लिए मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है?
वाणी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। अगर आपने वाणी को सबसे बड़ा हथियार बनाना है और आप अपनी वाणी को शार्प करते हैं, शार्प मतलब प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें गाने गाने हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी बात को मैं कैसे रखूं यूनिवर्स के सामने, अपने सामने, अपने साथ वालों के सामने, सबके सामने अपनी बात को मैं कैसे रखूं। अगर मुझे इस बात पे काम करना है तो मुझे आकाश तत्व को स्ट्रोंग करना है, और आकाश तत्व को स्ट्रोंग करूंगा, वाणी के ऊपर काम करूंगा, तो सबसे बड़ा असर मेरे को मेरे जीवन में क्या मिलेगा पता है? बुद्धि। आकाश तत्व में क्या है? बुद्धि। बुद्धि अगर मेरे पास आ गई तो मुझे जीवन में किसी हथियार की जरूरत नहीं है, ना मुझे दूसरे किसी चीज की जरूरत है। बुद्धिमान आदमी ही कामयाब बिजनेसमैन होता है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, राइट? दुनिया के टॉप 20 सबसे अमीर आदमी हमें बेइज्जत करते हैं हर रोज, ये कह के मैं तो जी 8वीं पास हूँ, मैं तो ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ा, मैं तो 10वीं में फेल हो गया था। और हम उनकी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, भैया MBA पास करके आप उसकी वीडियो देख के क्या कर रहे हो? वो कह रहा है जी मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, मैं आपको डिग्री देने आया हूँ। वो अमीर हो गया इसलिए डिग्री देने आया ना आपको, और हम एक 8वीं फेल से MBA वाला डिग्री ले रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं हम उस आदमी से। बुद्धि है उसके पास, बुद्धि से अमीर हुआ वो, या पढ़ाई से अमीर हुआ, और बुद्धि से उसने सारे पढ़े लिखों को जीत लिया, सारे IIM वालों को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करनी है। बड़ी कंपनी वाला कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अदानी कहता है मैं नहीं पढ़ा लिखा, अंबानी कहता है मैं नहीं पढ़ा लिखा, बिल गेट्स कहता है मैं नहीं पढ़ा लिखा, स्टीव जॉब्स कहता है मैं नहीं पढ़ा लिखा। तो और पढ़े लिखे कहाँ हैं सारे के सारे? इनके नीचे, इनके पास क्या है? बुद्धि। आकाश तो बुद्धि का कारण है, बुद्धि बोलते हैं इसको, और ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने कभी नहीं आपको अपनी क्लास में कहा कि गर्दन झुकाओ, मैंने कहा गर्दन उठाओ, गर्दन पीछे की तरफ होनी चाहिए मेडिटेशन करते हुए, गर्दन कभी आगे की तरफ नहीं होती है, गर्दन पीछे की तरफ होगी तो आप बेहतरीन तरीके से ध्यान लगा पाओगे। अब आप जवाब ढूंढो कि ताकतवर कौन है, शरीर या बुद्धि? दुनिया का कोई हथियार या कोई बुद्धिमान व्यक्ति? ऑब्वियसली बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ताकतवर होता है, ठीक है जी। अब बुद्धि मुझे मिलती है इस तत्व से सिर्फ, अब मेरा मानना है दिमाग यहाँ है, लेकिन वाणी तो यहाँ है ना, बोलूंगा तो यहाँ से अपनी बात को, और अगर मुझे बोलना है तो मुझे इस तत्व का सपोर्ट चाहिए, और बोलने के लिए मेरी बात से सामने वाला प्रभावित हो, उस मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति को जब समझाने की कोशिश करूं तो अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आपकी और हमारी बात है, आप कहते हो सर जी आप जैसे समझा रहे हो ना हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, जरूरत पड़ जाती, मान लो मैं आपको अच्छा नहीं समझाता, आप और हम जुड़ते क्या? हम जुड़े रहते? नहीं जुड़ सकते, हमारे बीच में संवाद कायम ही ना होता। हम वही जुड़ेंगे जहां पे हमारा आकाश तत्व स्ट्रॉन्ग होगा, आकाश ही सबको जोड़ता है पूरे प्लेनेट के अंदर, और आकाश तत्व ही कंप्लीट करता है आपके पंच महाभूत को, ठीक है जी, आपके पंच महाभूत को। जहां पे ये दो चीजें आ गई, आपके पंच महाभूत कंप्लीट हुए तो हम हो गए, और अगर आकाश तत्व हुआ, पंच महाभूत तो जीव जंतुओं में भी है लेकिन उन्होंने बुद्धि का यूज नहीं किया। आपको पता है सुअर गंदगी ही क्यों खाता है? कभी सोचा आपने? उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यही क्यों खाता हूं, क्यों? क्योंकि वो आकाश की तरफ देख ही नहीं सकता, कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया ईश्वर ने, उसकी बनावट ही ऐसी कर दी कि भैया तो नीचे ही देखेगा, तो ऊपर देख ही नहीं सकता, जो ऊपर देखेगा उसी को तो बुद्धि मिलेगी। और चीता जब अंगड़ाई लेता है तो आसमान की तरफ देखता है, और आसमान को ही छूता जब वो भागता है, ये उसकी स्मार्टनेस है। ऐसे हजारों हैं कीड़े मकोड़े जीव जंतु, उनको ये रिग्रेशन ना हो कि हम क्या कर रहे हैं दूसरों को देख के, इसलिए उनका दायरा ही फिक्स कर दिया कि भैया तुम इतने ही हो। चींटी की तो आंख भी नहीं होती, होती आंख चींटी की? चींटी की आंख होती तो
वो सबसे दुस्साहसी प्राणी होता, सबसे दुस्साहसी। अभी जितनी शरीफ लगती है ना उतनी खतरनाक होती वो, अगर उसकी आंख होती सिर्फ। लेकिन ईश्वर ने उसको बनाया ही ऐसा कि ना बेटा इतनी शक्ति नहीं दूंगा, यहीं तक रहो, चालू रहो। तो हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है पता है? हमने अपनी बुद्धि का विकास ही ऐसे किया है, हमने अपने आप को बुद्धि से ही तो बनाया है। मतलब हमारी बनावट के पीछे आकाश तत्व है। अब आकाश तत्व आपको आपको बुद्धिमान बनाता है, आकाश तत्व आपको जोड़ता है। इस बात का प्रमाण ले लीजिए कि बंदर आपसे बात करने नहीं आता है, कोई दूसरा जानवर आपसे बात नहीं करने आता है, वो एक ही लैंग्वेज में। बस आज तक आप 10 गायें भी चीखती रहेंगी तो आपको एक जैसा ही साउंड आएगा कान के अंदर, ये 10 की 10 गायें ऐसे ही चीख रही हैं, और 10 कुत्ते भौंक रहे होंगे तो आवाज वही आएगी हमें कि भैया ये क्या, ये तो कुत्ता ही भौंक रहे, आप पहचान जाओगे। संवाद नहीं कर पा रहे ना वो, हम संवाद कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रिश्ते नाते नहीं बनाए। सारा रिलेशनशिप जो है ह्यूमन के पास है, उनके पास है, ये मेरा दादा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं। किसी भी जीव जंतु के पास है रिलेशनशिप? नहीं है। क्यों नहीं है? जीव जंतुओं के पास जब चक्रास दिखाए जाते हैं तो आकाश तत्व नहीं दिखाया जाता किसी भी जीव जंतु के पास। आसमान में उड़ने वाले ईगल के पास भी आकाश तत्व नहीं है, जबकि वो आसमान में उड़ता है बहुत ऊंचाई पे। आकाश तत्व सिर्फ ह्यूमन के पास है, जिससे उसने अपनी बुद्धि का विकास किया, वाणी का विकास किया। हमने लैंग्वेज बनाई, हमने मल्टीपल लैंग्वेज बनाई, हमने मल्टीपल चीजें अपनी बुद्धि से बनाई। कैसे बना पाए आप सब कुछ? इस तत्व के दम पे। इस तत्व के दम पे ही आप जिंदा रहने वाले हो, इस तत्व के दम पे ही आपकी पहचान है। बूंगे की पहचान थोड़ी होगी, बोलने वाले की पहचान होगी जो बोलेगा, और जिसकी बात में दम होगा उसी की तो पहचान होगी। नहीं तो कितने आते हैं रोज और कितने चले जाते हैं किसको पता। जब तक बच्चा पैदा होने के बाद अंगड़ाई लेते ही रोता नहीं, तब तक टेंशन रहती है कि भैया इसका ये तत्व तो नहीं चालू हुआ, बाकी तो सब ठीक है। बच्चा मुस्कुराता नहीं है, सबसे पहले उसकी आवाज को खोला जाता है जब वो पैदा होता है। क्यों खोला जाता है उसकी आवाज को? इसीलिए खोला जाता है कि इसके अस्तित्व को, उसके अस्तित्व को तभी माना जाता है, उसके अस्तित्व को तभी माना जाता है जब वो अपनी अपने साउंड से बिहेव करता है वो बच्चा। तो ये तत्व विचार शक्ति के साथ भी काम करता है, मतलब ऐसे साउंड जो मतलब रेंज में है। हम तो 2 तरीके का साउंड कर रहे हैं, जानवर एक ही तरीके का साउंड करते हैं, ठीक है? वो सोचते नहीं है शाम को क्या सब्जी बनानी है, आज किसका शिकार करना है, वो सोचते नहीं है, वो ढूंढने जाते हैं, जो मिल गया वो खा लेंगे, कोई चॉइस नहीं उनके पास। ना उनको गाजर मूली खरीदने की टेंशन है कि भैया सब्जी क्या रेट चल रही होगी, उनको तो खरगोश मिला तो आज खरगोश खा लेंगे, बिल्ली मिली तो बिल्ली खा लेंगे, चिड़िया मिली तो चिड़िया खा लेंगे। वो खोज पे निकलते हैं क्योंकि वो अपने उस दायरे का यूज ही नहीं कर पाते। इसी वजह से हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, इसी वजह से हम जी पा रहे हैं, इसी वजह से हमने हर चीज से विजय पाई। लेकिन हमारी बुद्धिमानी होने के पीछे सारा का सारा कौन सा तत्व है? दैट इज आकाश तत्व, जो हमें बुद्धिमानी की तरफ मूव करता है, जो कहता है कि तुम सबसे अलग हो। हमें सर्वश्रेष्ठ बनाने के पीछे ये तत्व है, और हमारे सर्वाइवल के उच्च स्तर के लिए भी ये तत्व जिम्मेदार है। और जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो अपने सराउंडिंग, उसके लिए तत्व जिम्मेदार है। ये तत्व ना होता तो हम भी 4 पैर पे चल रहे होते, और कोई बड़ी बात नहीं है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी और लंबी होती है और पूंछ होती है हमारी, एक इतना भी हो सकता था, बट अच्छा होता रिश्ते नाते धर्म जात पात ये सब चीजें ना होती, खेल रहे होते अच्छे जंगलों के अंदर, प्राकृति होती चारों तरफ हमारे, पहाड़ नदी नाले होते। लेकिन इस तत्व ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है जी, वन जंगलों से, वनों से हमें कहाँ बिठा दिया, ले जाके फ्लैटों के अंदर, घरों के अंदर, और बैठकर आराम से गाड़ियों के अंदर। ये सारी की सारी पावर इस तत्व की है। जब कभी हम अपनी विचार शक्ति का यूज करें ना, और हम मतलब कहते हैं कि दुनिया में डेवलप होने के लिए ज्ञान चाहिए, ठीक है जी, आगे बढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के लिए क्या चाहिए? नॉलेज के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बादल को देख के पूछ लेते किसी दिन कि भैया ये बादल ऐसा क्यों दिखता है, इसकी बनावट ऐसी क्यों है, समझ में आ जाएगा।
उसी दिन जवाब भी दे देगा वो आपको, आंसर भी आ जाएंगे। लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप अपनी माइंड पावर का बेहतरीन यूज करना चाहते हो तो सबसे आसान काम क्या है, बारिश करवाना। ठीक है, 5 आदमियों का ग्रुप मिलकर बारिश करवा सकता है। महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा था, जब सारे यज्ञ हवन फेल हो गए तो वहां पे क्या हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड से जो अच्छा काम करते थे उन लोगों ने बारिश को इनवाइट किया था, बादल को इनवाइट उन्होंने किया था। जो आप हवन पूजा करके जो खुश करते हो वो क्यों करते हो, दैट इज सबकॉन्शियसली एक्टिविटी। बारिश के लिए सबकॉन्शियस माइंड से सबसे आसान काम है बारिश करवाना। ठीक है जी, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेमस हुआ, वो किसकी वजह से फेमस हुआ, इसी वजह से कि लोगों ने ये करके दिखाया, हमारे ऋषि मुनियों ने भी करके दिखाया। ये हम तो भारत की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये करके दिखाया सबकॉन्शियस माइंड से। ये तत्व वो है जो जिसको छूना आसान नहीं है, मतलब जिसको छूना आसान नहीं है, जिसके साथ जुड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये जितना खाली दिखता है उतना खाली नहीं है। ये आसमान कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। आसमान के अंदर क्या होते हैं, कलर चेंज होते हैं, सातों कलर वहीं से बनते हैं। तो सारी ऊर्जा का सोर्स आपके पास, बाकी के कलर की ऊर्जा का सोर्स कहाँ से आ रहा है, इसी तत्व से आ रहा है। यही तत्व है जो आपको नॉर्मल से एक महान व्यक्ति होने की यात्रा करवा सकता है। यही तत्व है जो आपके खराब से खराब दौर से आपको बाहर निकाल के ला सकता है। यही तत्व है जो आपकी, किसी भी परिवार में घुस जाओ, किसी भी परिवार के अंदर 90% लड़ाइयां वाणी के ऊपर है। अगर जहां पे वाणी संयम है वहां पे ग्रह क्लेश नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। ग्रह क्लेश वही होगा जहां पे वाणी खराब होगी। ठीक है जी, जुबान से ही तो बुरे हो आप, इंसान बुरे थोड़ी हो। भूख आपको भी लगती है, भूख उसको भी लगती है, चाहत आपके अंदर भी है, चाहत उसके अंदर भी है। बुरे कहां से हो, जुबान से। सारी लड़ाइयां जुबान पे है आपकी। और अगर आप इस तत्व पे महारत हासिल करते हो, किसी भी खोए हुए रिश्ते को पा सकते हो। यहीं से तो बोलना है ना, दो प्रकार की सॉरी है, एक आई एम सॉरी और एक जो आत्मा से निकल आए सॉरी। सामने वाला व्यक्ति आपका, सामने वाला व्यक्ति आपका बुद्धिमानी इसी तत्व के अंदर है। ठीक है जी, और इस तत्व की एक खास बात है, ये तत्व बेईमानी से डील नहीं करता। ये नेचुरल है, मतलब बाकी किसी भी तत्व में आप बेईमानी से डील कर सकते हो, इस तत्व में आप बेईमानी से डील नहीं कर सकते। इसका अलग ही वाइब्रेशन है और इससे हम कभी दूर नहीं हुए। एक खास बात है हमारी, हम पेड़ों से दूर हुए, हम जीव जंतुओं से दूर हुए, हम हर चीज से दूर हुए, इससे हम दूर नहीं हुए, क्योंकि इसका दायरा ही इतना बड़ा है, उसकी पकड़ ही इतनी मजबूत है। आप जितने हो इसके 20 गुना भी हो जाओ तब भी फर्क नहीं पड़ता। इसके कंट्रोल में सब कुछ, सारी मेमोरी इसके पास है, पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ह्यूमन टू ह्यूमन, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे आपके साथ समंदर, हर चीज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसके पास है। इसीलिए इसको बुद्धि कहा जाता है, कि आकाश तत्वा बुद्धि। और जो बोध होता है, जो व्यक्ति मौन हो जाता है, वो इस तत्व की ताकत से ही मौन हो सकता है। जिसको बोध हो जाता है वो इस तत्व की ताकत से ही उसको बोध हो सकता है, अदरवाइज बोध नहीं हो सकता। जंगलों में बैठो, ठंडी हवा चल रही हो, पानी बह रहा हो, खुला आसमान हो, वहां बैठ के मेडिटेशन करो। इसकी पूरी थ्योरी यही है कि आपके पंच महाभूत आपके साथ कनेक्टेड हो, आप कनेक्टेड हो, और ये सारे के सारे वाइब्रेशन आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाए, और जुड़ते ही हैं। और जब आपके अंदर भूख होती है इन चीजों की, आगे बढ़ने की, तो ये चीज आपको खुद भी खींच लेती है, प्रकृति अपने पास खींच लेती है। खींचती है प्रकृति के, नहीं खींचती, भागते हैं लोग, लोग भाग भाग के जाते हैं पहाड़ों में, नदी किनारे, इधर उधर। क्यों जाते हैं, क्योंकि प्रकृति खींच लेती है। आकाश तत्व से आप अपनी किसी भी अफर्मेशन को प्रोसेस करवा सकते हो। आकाश तत्व से आप कोई भी हारी हुई बाजी जीत सकते हो। चाणक्य ने चाणक्य नीति में यही लिखा था ना अशोक सम्राट के लिए, कि बेटा बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं है, यही लिखा था। बोला बुद्धिमानी ताकत को नाच नचवाती है। तो चंद्रगुप्त बेशक हीरो था,
बुद्धिमानी किसने दी थी उसको? चाणक्य ने। और चाणक्य ने उसको क्या दिया? ताकत दी, इसको जोड़ ले उसको जोड़ ले साथ, उसका वो दुश्मन है उसके साथ ऐसे बात कर, उसका वो दुश्मन ऐसे बात कर, छोटी छोटी लूट मार करो उनको मिला लो अपने साथ, जो प्रताड़ित है उनको जोड़ लो अपने साथ, ऐसे कर करके उसने चंद्रगुप्त को भारत का राजा बना दिया। मतलब पूरी एक मौर्य मौर्य साम्राज्य बना दिया पूरा, बहुत बड़ा। ताकत तो चंद्रगुप्त की थी, सेना भी चंद्रगुप्त की थी, नाच कौन नचाता था? आज क्या होता है, नाच कौन नचाता है? जिसके पास बुद्धि है, जो बुद्धिमान नहीं है वो नाच नहीं नचाता। कभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो ही नहीं सकता था अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कमजोर ना आता तो। वो कमजोर था इसी वजह से दूसरे ने नाच मचा दिया तुरंत। जो कमजोर होगा, जो कम बुद्धिमानी का यूज करेगा, वहां पे कोई दूसरा अपनी ताकत के साथ, बुद्धि के साथ ताकत को नाच मचा देगा। हमेशा बुद्धिमान राज करता है, हमेशा बुद्धिमान राज करता है, और हमेशा वो राज करता है जिसकी वाणी में दम है, और वाणी से ही आप अपनी आयु को कमाते हो, वाणी से ही आप अपने व्यक्तित्व को कमाते हो, वाणी से ही आप अमीर हो और वाणी से ही आप गरीब हो। अब समझ लो कि ये तत्व की जो हम बात कर रहे हैं, ये तत्व को पाना कैसे है। इस तत्व को पाने के लिए डाइट में तो आपके ब्लू चीजें आएंगी आएंगी, दूसरा ये आध्यात्मिकता का कलर है, तीसरा इस तत्व को पाने के लिए कुछ नहीं है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप कितनी ताकत लगा लो, इसकी एक ही रेमेडी है, आसमान की तरफ देखो, हाथ जोड़ दो दिन में एक बार, दैट्स इट। और जब भी बुद्धि का यूज करना हो, स्कूल में छोटे बच्चे करते हैं ना अपनी बुद्धि का यूज, जब कुछ याद नहीं आ रहा था तो ऊपर देख के याद करना शुरू करते हैं, सब कुछ याद आने लग जाता है बच्चों को। आप उसकी ना गर्दन ऐसे झुका दो 30 डिग्री पे, बोल ऐसे, अब बेटे सुना, जो याद भी होगा ना वो भी सब भूल जाएगा। जो व्यक्ति को कुछ याद भी होगा वो भी भूल जाएगा, और अगर आपने ऐसे ऊपर की तरफ देख के कोई बात बोलनी चाही तो ऑटोमेटिक आपके पास ज्ञान आएगा। अच्छे अच्छे जो रहे हैं आर्यभट्ट जैसे लोग, उनकी पिक्चर्स ऐसे आती हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन की पिक्चर ऐसे आती है आसमान की तरफ देखते हुए। क्यों आती है? ऐसे क्यों बैठते हैं वो आसमान की तरफ क्यों देखते हैं? यही तो बुद्धि का सोर्स है। उन्हें उसी ने जीरो की खोज करी, उसी ने आपकी क्या नाम है ब्रह्मांड की खोज करी। स्टीफन हॉकिंस की कुर्सी ने भी, स्टीफन हॉकिंस ऐसे नहीं बैठा था, स्टीफन हॉकिंस ने ऐसी रखी थी अपनी कुर्सी। ये बात आप जान लीजिए, और जो मेरी क्लास के अंदर आप लोग सोते हैं मेडिटेशन के अंदर और गर्दन आगे की तरफ कर लेते हैं, ये बहुत गलत है, सारी मेहनत खराब हो जाती है। सो जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गर्दन ऐसे रख के सो। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, गर्दन के पीछे सहारा रखो जी, दीवार के सहारे पे बैठो ताकि आपकी गर्दन में पेन ना आए, ताकि बेनिफिट तो मिले जो आप कर रहे हो उसका, आप उसको रिसीव तो कर पाओ, और वाणी में अमृत तब आप किसी को भी माफ तब कर पाओगे जब आपका ये तत्व स्ट्रोंग होगा। आप किसी के साथ भी लड़ाई तब जीत पाओगे जब ये तत्व स्ट्रोंग होगा। यही तत्व आपको आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर लेके जाता है, फिर बात आपकी हार्ट चक्रा से होगी। लेकिन ये तत्व है जो आपको, जिसको कहा जाता है सोल की प्रमोशन की बात करना, मतलब इस जन्म में तो हम अपनी आत्मा की प्रमोशन के लिए ही सारी भक्तियां शक्तियां माइंड पावर का यूज करते हैं ना, कि मेरी सोल की प्रमोशन हो, तो अपने सोल की प्रमोशन की तैयारी आपकी यहीं से शुरू होती है। और जो ट्रेवलिंग होती है, ऊर्जाओं की जितनी की ट्रेवलिंग है वो किसके ऊपर है? साउंड के ऊपर है। सारी की सारी ऊर्जाएं साउंड पे ट्रेवल करती हैं, बिना साउंड के तो कोई ऊर्जा ट्रेवल कर नहीं सकती, तो पूरा का पूरा साउंड यहाँ पे है, आपकी प्रार्थना भी यहाँ पे है, इसीलिए आप बजाते हो ढोल नगाड़े, क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाजे क्यों बजाते हो? सारी ऊर्जाएं यहीं पे हैं। और जब ये तत्व सॉलिड होता है किसी भी व्यक्ति का, तो बस उसके बाद आप समझो आपके व्यक्तित्व को टक्कर देने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं है। और जिसका ये तत्व वीक है, ठीक है जी, वो खत्म। दुनिया में कंटेंट बहुत अच्छे लोगों के पास है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, कामयाब उतने ही देखता हूं मैं जो बोल पाते हैं। जो बोल ही नहीं पाता उसकी नॉलेज का क्या, जो निकाल ही नहीं पाया बाहर उसका क्या? ये तत्व आपको
अहम ब्रह्मा वाली फीलिंग दिलवा सकता है, अहम ब्रह्म, आपके अंदर जो आप खुद की ताकत को महसूस कर सकते हो ना, वो इस तत्व के दम पे कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी तत्व के दम पे नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब इस तत्व का बेहतरीन यूज अगर आपको करना है तो वाणी, वाणी मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ पुष्ट विचार ही आते हैं। ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं बतानी है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रिवर्स घुमा देना है। एक और बादल भी है जो लेके भी जाता है, अगर एक बादल लेके आता होगा तो दूसरा बादल लेके भी तो जाता होगा ना। प्रॉब्लम को रिवर्स घुमाना है, मेरे घुटने में दर्द है, ठीक है जी, ये नहीं बोलना, मेरे घुटने सही होते जा रहे हैं, और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है नहीं, मेरे जीवन में मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूँ, अपनी बात को रखने का तरीका बदलना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट योर पावर ऑफ, मतलब आपके वर्ड्स की जो पावर है आपको उसको यूज करना है। मेरी एक क्लास है कल परसों की छुट्टी है आप लोगों की क्लास की, पावर ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है जी, मतलब अपने शब्दों की ताकत को पहचाने, वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द कितने पावर, शब्द कितना पावरफुल होता है। यहाँ पे नौमुखी रुद्राक्ष बोला जाता है आकाश तत्व के लिए, और इसका पॉइंट है ये, ठीक है जी, आपके मिडल फिंगर के नीचे, ओके, नौमुखी रुद्राक्ष। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा था, सभी आदरणीय सदस्यों को, कि अभी ना हम क्वेश्चन आंसर नहीं करते, अभी हम क्लास करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम समझें, मेरे को भी पता हो कि मेरे को अपने किस चक्रा पे काम करने की जरूरत है, मेरे को अपने किस तत्व पे काम करने की जरूरत है, और उसके बाद मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकता हूँ, मेरे पास उसका हथियार भी हो, रेमेडी, आधी रेमेडी तो आपके पास भी होगी ना उस टाइम पे। जब ये सारी चीजें होंगी ना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, सारी की सारी ऊर्जाएं जो आप गले में लॉकेट डालने हैं, चैने डालनी है, या स्टोन डाले जाते हैं आपके गलों के अंदर, और आपकी अंगूठियां क्यों डाली जाती हैं, आकाश तत्व के लिए, यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे आप, और या फिर कोई आपको ब्रह्म अंदर से टच करेगा, फिर वो कहेगा जी आप जहाँ पे सिर रखते हो ना, उसके नीचे आप अपना स्टोन रख लो, फिर आपको पता लगता है कि ये जो एनर्जी है ये मेरे साथ काम कैसे कर रही है। तो इस तत्व की जो पावर है और इस चक्रा की जो पावर है, वो आपके जीवन की शुद्धि कर देती है। ठीक है जी, आपके जीवन के अंदर आप कुछ भी हो, आप अपनी वाणी से तुरंत बदलाव कर सकते हैं, तुरंत बदलाव। आपकी वाणी ही है जो अगर सजग है तो इस दुनिया में आप हो, और ऐसे हो कि आपका कोई मुकाबला नहीं है, आपकी कोई काट नहीं है। अगर मेरी वाणी सजग नहीं है तो फिर मेरे मुंह से गाली भी निकल जाती है, फिर मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं, फिर मैं दूसरी दूसरी क्या नाम है बहकी बहकी बातें भी करता हूँ, फिर मेरे को अपनी बात भी किसी को रखनी नहीं आती, फिर मैं अपने गुस्से को भी दबा लेता हूँ। अगर मेरी वाणी सजग है तो मैं किसी से घबराने वाला इंसान नहीं हूँ, और अगर मेरी वाणी सजग नहीं है तो मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, फिर चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मानसिक बीमारी है, या मेरे सराउंडिंग के कोई भी हालात है। अगले दो चक्रों का आपकी भौतिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, दे आर बिलोंग टू अध्यात्म ओनली, लेकिन आज अगर मेरे को भौतिक वर्ल्ड में खुद को क्या नाम है स्टेबल करना है भौतिक वर्ल्ड के अंदर, कि मेरे को भौतिक में भी रहना है, मुझे अध्यात्मिक भी रहना है, तो पहले मुझे अपनी वाणी को स्टेबल करना पड़ेगा। और वाणी घाव भी देती है, और वाणी आपके घावों को भरने की ताकत भी रखती है। जहाँ सूखा होता है वहां बारिश भी आती है, और जहाँ बारिश होती है वहां पे सूखा भी पड़ता है, और जहाँ कभी समुंदर हुआ करते थे अभी वो रेगिस्तान है, और जहाँ अभी रेगिस्तान है वहां कभी समुंदर भी होंगे। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट यूनिवर्स का हमें मैसेज है कि अपनी इंसान होने की बेहतरीन शक्ति, अपने कंप्लीशन की, मतलब जीवों से जो हमें सबसे ज्यादा अलग करता है, अपने बेहतरीन होने की पावर को पहचानो, और अपने इस तत्व पे काम करो, हमेशा आकाश की तरफ देखो,
और धन्यवाद करो, आसमान की तरफ देखो और धन्यवाद करो, आसमान की तरफ देखो और बोलो आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। ये तत्व का वाइब्रेशन अपने आप आएगा। और विचार करो अध्यात्म में और क्या अच्छा कर सकता हूँ, अध्यात्म में मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और आंखें वहीं पे होनी चाहिए आपकी, आंखें वहीं रखो आकाश तत्व की तरफ। और उसके बाद देखो बुद्धि कैसे आती है। जो कहते हैं ना हर नेगेटिव आदमी ना या तो अंधेरे में होगा, ठीक है, अपने आप को किसी से बात नहीं करेगा, संवाद नहीं करेगा, कह देगा जी मैं डिप्रेशन में हूँ, राइट। नेगेटिव आदमी यही कहता है ना मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी से बात नहीं करना, कमरे में अपने आप को बंद कर लेना या फिर चुप रहना बिल्कुल, और वो विचार नहीं होते उसके पास। नेगेटिव आदमी के पास वो एक दो विचार में फंसा रहता है, बस एक दो बात को लेके ही वो ओवर थिंकिंग करता रहता है, उसी विचार को रिपीट रिपीट करता रहता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं वो यही तो है। डिप्रेशन का मतलब ये थोड़ी है 70,000 विचार आ रहे हैं, डिप्रेशन का मतलब उसको बस कुछ विचारों ने उसको ऐसा घेर लिया, उस विचार से बाहर नहीं रहा। डिप्रेशन तोड़ना है ना, खुले आसमान के नीचे ले जाओ उस आदमी को और मेडिटेशन करवाओ। खुले आसमान के नीचे उसके उसको बोलो टाइम बिताना है, पूरा दिन खुले आसमान के नीचे रहना है, 2 दिन के अंदर डिप्रेशन टूट जाएगा। 2 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूँ, एक ही दिन में डिप्रेशन टूट जाएगा उस आदमी का। कोई ना ऊपर ही देखना, नीचे देखना ही नहीं। कैसे करवाते हैं तिब्बत के बच्चों को मजबूत, कैसे करते हैं चाइना के बच्चों को मजबूत, कैसे करते हैं ऊपर, दुनिया की सारी आर्मी कहाँ देखती है ऐसे। नीचे देखना अलाउड है, आप अपनी ताकत ही भूल जाओगे नीचे देखोगे तो। किसी भी आर्मी वाले को नीचे देखना अलाउड नहीं है, पता है आपको। और बहुत सारे देश की आर्मी में तो जब ट्रेनिंग देते हैं यहीं पे पिन लगा देते हैं कॉलर के ऊपर, नीचे देखते ही पिन लगेगा, फिर गर्दन ऊपर जाएगी बंदे की। क्यों करते हैं ऐसा? इसीलिए करते हैं कि अपनी ताकत को ना भूल जाए, ये डिवर्ट ना हो जाए, किसी दूसरे का थॉट इसके ऊपर भारी ना पड़ जाए। इसी वजह से हमेशा परेशान आदमी की गर्दन झुकी होगी नेगेटिवों का। किसी नालायक बच्चे को भी इंटेलिजेंट बनाना है ना तो किताब यहाँ होनी चाहिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किताब रख देते हो यहाँ पे, गर्दन झुक गई उसकी, कनेक्शन टूट गया, अब करो क्या करोगे। अब यहाँ पे रखने वाला बच्चा किताब पे सो रहा होता है, या फिर कह रहा जी मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, किताब सामने रख दो ना, टेबल रख दो सामने उसके, बोल बेटा आपने आयुक्त के लेवल पे लिया किताब ना, अगर 10 मिनट में याद हो जाए, 15 मिनट में याद हो जाए, बच्चा नालायक थोड़ी है। उतने ही न्यूरॉन्स लेके बैठा जितने आप लेके बैठे हो, उतना ही दिमाग है उसके पास जितना आप लेके बैठे हो, लेकिन आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए, इसी वजह से वो नालायक हो गया। और अगर आपने कोई किताब पढ़ रखी है, ये आपके ऊपर है, और आप चाहते हैं कि उसका टॉपिक मुझे याद करना है, गर्दन ऊपर करो, याद करना शुरू करो, आपको टॉपिक याद हो जाएगा। सिंपल साइंस है कि ये तत्व तो मुझे बुद्धि देता है, और ये तत्व मेरी वाणी से संबंधित है, मेरी वाणी इस तत्व को होल्ड करती है। तो मेरी बुद्धि, अपनी बुद्धि का मेरे को यूज कैसे करना है, उसके लिए वाणी रास्ता है। और वाणी कैसी होनी चाहिए, इसीलिए अगर देवताओं ने अमरता का वरदान दिया, अगर आप समुन्द्र मंथन की स्टोरी को समझते हैं, तो भाई आकाश तत्व पे ही धारण किया गया अमृत को, कि वाणी से ही होगा सब कुछ, वाणी से ही अमर हो सकते हो, बिना इसके अमर नहीं हो सकते। नाभि में नहीं डाला था उनके, सिर्फ वाणी पे रखा था अमृत को, कि जिसकी वाणी पे अमृत आ गया वो अमर है। तो वाणी पे जिसने अमृत को पाया, खेचरी मुद्रा, सुबह 3:30 बजे के मेडिटेशन क्यों किए जाते हैं, अमृत वेला ये वो, ताकि वाणी पे निरंतर आए। वाणी से ही तो कर सकते हो ना आप, बिना वाणी के तो आप नियंत्रण कर ही नहीं सकते किसी भी चीज को। वाणी आपको नियंत्रण देती है, नीचे की पूरी बॉडी खत्म भी हो जाए, नीचे की पूरी बॉडी खत्म भी हो जाए तो भी आप वाणी के दम पे कुछ भी कर सकते हो। स्टीफन हॉकिंस और बहुत सारे लोग इसके बेस्ट एग्जाम्पल रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज, राहु के पास क्या है, नीचे का शरीर है, राहु के पास नीचे का शरीर नहीं है ना, ऊपर ऊपर का है। और वो क्या करता है, 70,000 विचार देता है हर आदमी को, दिमाग है, ठीक है जी, फेम वही दे सकता है, पूरा का पूरा प्योर आकाश तत्व है। फेम कहाँ से मिलेगा आपको, या तो बदनाम हो या नाम हो, या तो आपने गुजरात दंगे किए हैं, या 2 बार भारत का इलेक्शन जीता है, 370 हटाई है, एक बार बदनाम एक बार नाम, खेल तो सारा राहु का है, या तो बदनामी देगा या बहुत नाम देगा। तो
मेरा ये तत्व मेरे अस्तित्व की पहचान बन सकता है, मेरे इंसान होने की पहचान बन सकता है अगर मैं इंसान हूं, पहली बात। तो फिर मुझे आध्यात्मिक होने का मतलब समझ में आएगा। और अगर मैं इंसान ही नहीं हूं तो क्या मुझे आध्यात्मिक होने का मतलब समझ में आएगा? तो मेरा आध्यात्मिक होना बनता है, इंसान होके ही मैं आध्यात्मिक हो सकता हूँ, बिना इंसान के मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता, इंसान हुए मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दैट इज द पावर ऑफ दिस तत्व जो मुझे प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ करता है, जीवों में सर्वश्रेष्ठ करता है, मेरी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देता है और वो शक्ति मुझे देता है जिसके दम पे मैं हूं। और यही तत्व मुझे विशुद्धि से शुद्धि देता है। नाम क्या है इसका? विशुद्धि चक्र ये बोलते हैं इसको। और चाहिए क्या हमें? शुद्धि या विशुद्धि चाहिए? शुद्धि चाहिए। विशुद्धि से शुद्धि के सफर के लिए आपको इस तत्व को निकालना पड़ेगा। और अगर आपको ये समझ में आता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बन रहा हूं, तो समझ जाइए सारा खेल यहाँ से शुरू होगा, जुबान से। यहाँ से आपको सारा वाइब्रेशन बदल सकते हो, यहीं से आप मेंटल हो रहा। अगर यहाँ से मैंने कहा कि जीवन बेकार था और एक बीमारी को जीवन में बुला लिया, तो यहीं से कह सकता हूँ कि जीवन बेहतरीन है और बीमारी को वापस भेज सकता हूँ। यहीं से तो बोलूंगा ना, जीवन को बेहतरीन सोचना होगा तो भी मुझे बुद्धि का यूज करना पड़ेगा और विचार का यूज करना पड़ेगा, और जीवन को बेकार सोचना होगा तो भी मुझे बुद्धि और विचार का यूज करना पड़ेगा। अब दोनों ही चीजों में कल्प्रेट कौन है? मैं, या मेरी किस्मत खराब है फिर, या फिर भगवान ने मेरे को कम दिया उसको ज्यादा दिया, या फिर मेरे पास कम शक्तियां उसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, मैं बेहतर नहीं कर सकता वो कर सकता है। सबको बराबर दिया है, सबके पास बराबर दिया है, सबको अलग बनाया है, सबको दूसरे से अलग सोचने का मौका भी दिया है। सबके दिमाग नहीं मिलते ना हमारे, लेकिन दिक्कत क्या है? मैंने अपनी ऊर्जा का यूज कैसे किया है? अगर आज के जमाने में भी मैं, आज के जमाने में भी मैं ये सोच के पुराना बल्ब जला के बैठा हूं अपने घर में कि ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं बेवकूफ हूं। उतने में 50 वाट का बल्ब जला सकता हूं और जो उससे कम बिजली खाएगा। मैंने एनर्जी का सही यूज करूंगा तो मैं 100 वाट से 50 वाट वाला एलईडी ज्यादा रोशनी देगा आज की डेट में। पहले का 100 वाट का बल्ब 50 वाट के एलईडी से ज्यादा रोशनी नहीं दे सकता। आज के हम आज का ये बल्ब उससे बहुत ज्यादा रोशनी देगा। वो पीली रोशनी देगा या व्हाइट रोशनी देगा। अगर मैं बचत नहीं कर रहा बिजली की, तो इसका मतलब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी एनर्जी की पावर को नहीं समझ रहा तो दैट इज माई मिस्टेक। यहाँ पे किस्मत तो कहीं आती नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं आता कि मेरा शोषण हो रहा है या मैं किसी का शोषण कर रहा हूँ, यहाँ पे ये भी नहीं आता कि मेरे रिश्ते नाते जो खराब है उसके लिए वो दूसरा जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी जिम्मेदारी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी अपनी वाणी से, और ऊपर उठने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसीलिए अध्यात्म में एक बात कही जाती है, भैया खराब हो आप, एक खराब है तो आप दूसरे के साथ खराब हो जाओगे क्या? ऐसा बोला जाता है ना आपको, वो बुरा है तो आप बुरे हो जाओगे क्या? क्यों बोला जाता है? इसलिए कि अगर आप अच्छे हो तो आप उठ जाओ, वो तो खराब है ही, उसने तो आपको गाली दे दी, उसने तो आपका बुरा कर दिया। आप ऊपर उठ जाओ, आप माफ कर दो, आप आगे निकल जाओ, आप इग्नोर करना सीख लो, आप उसी के साथ साथी बन के रहोगे तब क्या होगा? आप बिल्कुल वैसा ही बिहेव करोगे तब क्या होगा? दोनों एक एनर्जी में आ गए, सारी जिंदगी लड़ते रहना, कंप्रोमाइज कहीं नहीं होगा। जो पहले जाएगा वही जीत जाएगा। कि अब तो बोलता रहा मैं जा रहा हूँ, जो पहले जाएगा वही जीतेगा, नहीं तो सारी जिंदगी लोग लड़ते ही रहेंगे। आकाश तत्व आपके हर संबंध को मजबूत करने की ताकत रखता है, हर संबंध को। ये बात आप जान लीजिएगा। आप रूड आदमी से बात करना नहीं जान चाहेंगे, आप पोलाइट आदमी के साथ ही बात करना चाहेंगे, आप बदतमीज के साथ बैठना नहीं चाहेंगे, आप तमीज वाले आदमी के साथ बैठना चाहेंगे। और ये डेफिनेशन तो जुबान से ही तय होगी ना, आपकी विशुद्धि चक्र से ही तय होगी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि नीले फल खाओगे या फिर मंत्र जाप करोगे तब आपका ये चक्र एक्टिव होगा, मंत्र का अपना काम है, फ्रूट का अपना काम है, लेकिन इस चक्र का मेजर गेम क्या है? इंटायर मेंटल ओरा इसके कब्जे में, आपका इंटायर और इंटायर डिजायर इसके कब्जे में है, इंटायर भौतिक सुख और भौतिक वर्ल्ड इसके कब्जे में है। अब सोचो नीचे के चार का क्या? इसके बिना सिस्टम ही नहीं है, इसके बिना मतलब आपकी बॉडी का सिस्टम ही नहीं है, इसके बिना आपका भौतिक वर्ल्ड ही नहीं है, इसके बिना आप इंसान नहीं है। अगर आप नीचे की बात करते हो तो जानवर भी बहुत इमोशनल होते हैं,
कुत्ता अपने मालिक के सामने पूंछ ही हिलाता रहता है, बिल्ली आपकी गोद में आके बैठ जाएगी, जिसको प्यार करने लग जाओगे वो आपके साथ जुड़ जाएगा। ये इमोशन है ना, हार्ट चक्रा तक हमारा, वो भी है और हम भी हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ पे है ज्यादा? बुद्धिमान कौन हो सकता है, ताकतवर कौन हो सकता है, जो इस तत्व से बात करेगा, जो संवाद करेगा? तो इसी का नाम है जिंदगी, यही चक्र है जो आपको संवार सकता है, यही चक्र है जो आपके आध्यात्मिक सफर को शुरू करने में आपकी बेहतरीन मदद कर सकता है। और आप देखिएगा, जब आपके पास केस आएंगे, 90% केस आपके यहाँ से आएंगे। रिलेशनशिप, दुखी लोग, डिप्रेस्ड लोग, सिमटे हुए लोग, छोटे दायरे वाले लोग, वो सब इसी चक्र से निकल के आने वाले आपके। आपको क्या करना है, मेंटल ओरा स्ट्रॉन्ग करना है पहले। उनका मूलाधार तो बाद में आएगा, पहले तो उसको मेंटल ओरा देना पड़ेगा, आपको यकीन देना पड़ेगा कि तुम बदल सकते हो। जब ये यकीन आप दे पाओगे, तो फिर आप किसी की जिंदगी को बदल पाओगे। तो अब बात यहाँ पे आती है, ब्लू कलर के बहुत सारे फ्रूट होते हैं जी, गूगल बाबा बताएंगे, और बाकी हम आपको क्लास की लास्ट में दिखाएंगे भी, अभी मतलब क्राउन चक्रा के बाद आपको दिखाएंगे भी सातों चक्रा के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट क्या होते हैं। अब मेजर चीज, रेकी हीलर होना काफी है, या आपको मोटिवेशन देना भी आना चाहिए अपने कस्टमर को। मोटिवेशन देना पड़ेगा ना उसका मेंटल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिर्फ हीलर होना काफी है या मोटिवेशनल ट्रेनर होना भी काफी चाहिए साथ में, मतलब कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। ये कॉम्बिनेशन आपको चाहिए ही चाहिए रहेगा कि आप भी मजबूत हो और आप उसको भी मजबूत करें जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे हीलिंग ले रहा है, तभी वो रिसीवर बन पाएगा, नहीं तो वो कभी भी रिसीवर नहीं बन पाएगा, आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लीजिएगा। दूसरी चीज, अटेनमेंट के लिए मैंने कोई गूगल फॉर्म आप लोगों को नहीं दिया। गूगल फॉर्म हमने आपको सर्टिफिकेट का डेटा बनाने के लिए दिया था, जो कि क्रैश हो गया किसी कारण से, तो आपको नया गूगल फॉर्म दिया जाएगा। तो आप मन में ये भाव मत लाइए कि अगर आपने क्या नाम है गूगल फॉर्म नहीं भरा तो आपकी अटेनमेंट होगी या नहीं। आपकी अटेनमेंट होगी और 100% होगी, और जिस दिन अटेनमेंट की क्लास होगी उस दिन यहाँ भी होगी और यूट्यूब पे लाइव भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो 500 आदमी जिन ज्वाइन कर लिया और जो बाहर है रह गया वो कहेगा मैं छूट गया। हम दोनों जगह पे अवेलेबल रहेंगे उस दिन, फिर शायद 10,000 आदमी आ जाएं, तो आपके लिए पूरा बंदोबस्त है। घबरा के काम नहीं करना, अपने खास तत्वों को मजबूत कीजिए एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, मतलब अपने आप को मोटिवेटेड और हैप्पी ही रखो हमेशा। और एक बात सोच के आज के बाद कोई भी बात बोलना, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बन रहा हूँ, बस ये सोच के। लोगों ने मृत्यु को अगर मात दी है ना, मात लास्ट मोमेंट पे, तो ये सोच के दी है कि मैं जीवन को जीना चाहता हूँ और मैं जीवन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस जिंदगी के साथ स्वस्थ रहना चाहता हूँ। इस थॉट के साथ आप मृत्यु को भी मात दे सकते हो, और इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊं तो कैंसर कल ही आपके घर आ जाएगा। जीवन बेकार है, गरीबी कल ही आपके घर आ जाएगी। कोई भी नेगेटिव थॉट बाहर ही खड़ा है, बस आपको दरवाजा खोलना है, और कोई भी पॉजिटिव थॉट आपके भीतर है, पूरे ब्रह्मांड से लेके आएगा, जो कहोगे वो लाके देगा आपको। अब आप देखो कि आपको दरवाजा खोलना है या दरवाजे से कुछ बाहर भेजना है, दैट इज योर चॉइस। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि जीवन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसे हमारे ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधना मैडम जी, कृपया म्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही सर? आ रही है कि आ रही है? हाँ सर, अपन 7 बजे अपनी जो ये किए थे मेडिटेशन, तो मेरा पूरा शरीर भी इतना भारी भी हो गया था और मुझे पसीना भी आता है, क्यों पता नहीं अभी ऐसा हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है अगर शरीर भारी हो रहा है और पसीना आ रहा है, तो ये पूछ रहा हूँ वही तो पूछ रही हूँ, मुझे नहीं मैं। पता चल इसमें दिक्कत क्या है, अगर कुछ घट रहा है तो घटने देते हैं ना।
मेडिटेशन का मतलब समर्पण है, मेडिटेशन का मतलब जो मैं कर रहा हूं उसके ऊपर सवाल उठाना नहीं है, और आप हमेशा ही उठाते हो, समर्पण डालो। और सर आप रविवार रविवार के दिन क्लास लेने वाले ना बच्चों की, कब? संडे के दिन आपने अभी बोला था। अभी हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, कल की क्लास का मेरा एक प्लान है। अगर मैं आपको सरप्राइजली मैसेज करूं तो क्लास हो सकती है, अगर मेरा सरप्राइजली मैसेज ना आए तो आप लोग रिपीट क्लास कर लीजिएगा, आपको लिंक आ जाएगा एक क्लास का। नहीं आपने बच्चों के लिए बोला था ना, एग्जाम चल रहे तो संडे के लिए लेंगे। अभी मैंने बहुत बना जन को बोल के रखा तो बोले ठीक है हम ज्वाइंट हो जाएंगे संडे के लिए। मैडम जी, एक बार प्लान करते हैं, बनाते हैं, अभी नहीं बना पाऊंगा, मेरे गेस्ट आने हैं बाहर से। अच्छा ठीक है, चलेंगे। थैंक हाँ जी, धन्यवाद मैडम जी। यू सर। परविंदर मणि जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार नमस्कार, जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, आपका आशीर्वाद है जी। जी सर, आप हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखो, और आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है। मेरे आशीर्वाद की सर जरूरत तो आज से खत्म हो गई ना सर। मैंने कहा आकाश तत्व को तरफ देखो और बुद्धि जी ग्रहण जी जी करो, तो आकाश आज तत्व को तो, जहां भी नजर उठाओगे मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल, आज तो नजर ऊपर ही उठा रहे हैं। बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छी बात बताई जी। बिल्कुल जी, अच्छा, मेरी बेटी आपसे बात करना चाह रही थी, वो 12th में है, करवा दीजिए जी। उसका एग्जाम है अभी। जी बहुत बढ़िया जी। सर नमस्ते। नमस्कार बेटा जी। सर मुझे पूछना था कि जो एग्जाम टाइम होता है उसमें इतना स्ट्रेस क्यों जाता है? आसपास वाले दे देते हैं स्ट्रेस, ये बोल बोल के कि ये मुश्किल आएगा, पिछली बार इतने फेल हो गए थे और इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस टीचर दे देते हैं। नथिंग, एक ही बात को याद रखो बेटा, जो भी मैंने पढ़ा है उसे मैं बहुत आसानी से रिकॉल कर सकती हूँ, ये सोच के जाना तो आपका हाथ अपने आप लिखने लगेगा वहां पे, और मिरेकल हो जाएगा। और सर जो जैसे पास्ट में कुछ हो रखा होता है तो वो ही चीजें क्यों याद आती है बार बार? वो इसलिए क्या याद आती है क्योंकि वो हमारी बैड मेमोरीज होती हैं, और हम उसको रिलीट नहीं करते, बाहर नहीं करते अपने माइंड से। जब तक हम उसको बाहर नहीं करेंगे वो फाइल पॉपअप होती रहेगी, उसके जैसे वो इवेंट एंटर हुआ है मेरे माइंड के अंदर VAK के थ्रू, ठीक है जी, मतलब एक मूवी की तरह। एक मूवी आपके माइंड में कैसे एंटर करती है, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो शुरुआत से लेकर एंड तक की मूवी साउंड विजुअल और स्टोरी करेक्टर एंटर कर जाता है ना, इमोशन, ऐसे ही जी आपके जीवन के बहुत सारे इवेंट आपके दिमाग में एंटर कर जाते हैं, इनको उसी तरीके से बाहर निकाला जाता है। अगर आप बाहर निकाल दोगे तो ये मेमोरी खत्म हो जाएगी और ये इवेंट आपको परेशान भी नहीं करेगा, भीतर रहता है तो परेशान करता है। सर, वो कहते हैं ना कि 21 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, हैबिट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, हैबिट आज से भी लग जाएगी। इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर। NLP के क्लास है, आपके पापा को भूलना निकाल के देंगे, हाउ टू रिमूव बैड मेमोरीज। तो किसी भी मेमोरी को अपने दिमाग से मिटाने का एक तरीका है, जो चीज परेशान करती हो उसको टेक्निकली ओएलएक्स पे बेच दो और वैसे अपने दिमाग से मिटा दो NLP करके। सर जो मोटिवेशन, जो अगर हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होता है सब चीजों का माइंड से? बिफोर और आफ्टर, हमारे माइंड का जो ग्रे पार्ट होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, स्ट्रेस से वो बढ़ जाता है। बिफोर और आफ्टर 10 मिनट का भी मेडिटेशन करोगे ना अगर, तो आपके जो ब्रेन है वो एंगेज होता है यूनिवर्सल पावर्स के साथ जो हमें ड्राइव करती है, उनको अट्रैक्ट करता है, और उससे हमारा ब्रेन का ग्रे पार्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से कि हम मतलब मोर एनर्जेटिक फील करते हैं, मोर काम फील करते हैं, और हमारा मेमोरी पावर और बाकी चीजों पे मतलब एक बेहतरीन असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन सर मेडिटेशन करना ऐसा लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये करने से फायदा क्या हो रहा है? वही मेमोरीज बार बार इंडल्ज हो रही है माइंड में। ये अच्छी बात है कि हमें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फायदा क्या हो रहा है, तो वो आप मेडिटेशन तब कर पाओगे बेटा जब कोई आपको मेडिटेशन के बेनिफिट समझा पाएगा, मतलब जब कोई आपको आपका फायदा दिखा पाएगा। 1 मिनट में आप मेडिटेशन का बेनिफिट देख सकते हो, विद इन ए मिनट, 1 मिनट के मेडिटेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है। अभी जो किताब आप आंखों से पढ़ते हो ना,
वो किताब आप आंख पे पट्टी बांध के पढ़ लोगे 1 मिनट के बाद, इतना पावरफुल होता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ने, 1 मिनट के मेडिटेशन ने आपकी आंखों का जॉब खत्म कर दिया, बताओ पावरफुल है कि नहीं? दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये तो एक है, ऐसे थाउजेंड बेनिफिट्स हैं। जो आपको बेनिफिट समझा पाएगा ना, वही आपसे मेडिटेशन करवा पाएगा, और जो आपको बेनिफिट नहीं समझा पाएगा वो नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जितने भी ह्यूमन इस दुनिया में ना, वो अपने फायदे की बात करते हैं, जब तक फायदा ना हो तब तक इमोशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपना, और जहाँ फायदा दिखा वहां जान भी लगा देंगे। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रवीण जैन, नमस्कार मैडम जी। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखें अपना। सर एक क्वेश्चन था, आपने बोला ना कि स्काई को देखते हैं तो अपना जो जो भी सिस्टम है वो चेंज होता है। थोड़ा लाउड बात कीजिए, वाणी पे नियंत्रण लेके आइए, जोर की बोलिए। अपन जब स्काई के आकाश के सामने देख के बात करते हैं तो अपना सोचने का प्रोसीजर या जो भी है सिस्टम चेंज होता है, और वॉइस के ऊपर आपका कमांड क्रिएट होता है पॉजिटिव वे में, और चीजें जल्दी से लर्न हो जाती है। तो क्या बच्चों को ओपन एरियाज में पढ़ाने से भी उसका इफेक्ट आएगा? कॉन्सेप्ट तो यही था, एसी में हमने बिठा दिए, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यही था। दूसरा, जो आपकी बैकबोन की बनावट भी ऐसी है, अगर आप झुके हुए हो तो आपकी ये जो बॉडी और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है ऐसे, और अगर आप ऐसे हो रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी भी कनेक्ट हो रही है आपके साथ, तो आपके शरीर की बनावट ही ऐसी है। मैक्सिमम बच्चों को ये समझाना है कि कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, नॉलेजफुल एक्टिविटी चाहे क्रिएटिविटी, बैकबोन को स्ट्रेट रखना, एंड देन आफ्टर जब भी आप पढ़ते हो अगर आई कॉन्टेक्ट आप आकाश के साथ कर सको तो ज्यादा बेटर। एक और चीज समझिएगा, बच्चे घर से बाहर रहना क्यों पसंद करते हैं, खेलना क्यों पसंद करते हैं? मैक्सिमम आउटडोर गेम्स के अंदर बच्चों का चेहरा आकाश की तरफ होता है, मैक्सिमम आउटडोर गेम्स के अंदर, ठीक है जी। और जहां पे बच्चे का गर्दन झुकी, जैसे कि आपका मोबाइल, वहां पे बच्चा आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाएगा। और अगर बच्चा मैदान में है, वॉलीबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ और बैट बॉल खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, आउटडोर गेम की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे की एनर्जी आते ही पानी मांगेगा, आते ही कहेगा मुझे भूख लगी है, आते ही उसकी ऊर्जा एक अलग तरीके से बिहेव कर रही होगी उस बच्चे की। तो ये आकाश तत्व का ही तो असर है सारा का सारा। अपने को भी जब कोई चीज मेमोराइज करनी हो तो बड़ों के लिए भी सेम प्रोसीजर ये कि ओपन एरिया में जितना ज्यादा वर्किंग प्रोसेस किया जा सके या जितना कॉन्टेक्ट मेंटेन किया जा सके उतना उनके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं आपसे ये गुजर रहा ये जो आपने ये सीखने की रुद्राक्ष है, मैंने जब गले में पहन रखा है, आपने हाथ में पहन रखा है, तो हाथ में पहनना चाहिए या गले में पहना हुआ चल? मैंने कहा ये भी आकाश तत्व का पार्ट है और ये भी आकाश तत्व का पार्ट है, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, आपकी चॉइस है कहीं भी डाल सकते हो। मैंने ये भी तो बताया ना आकाश तत्व का पार्ट है, हाथ हमारे आजाद है तो कहीं भी डाल सकते। एक्चुअली ना अपना अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, बहुत सारे लोगों को मेंस को ज्वेलरी पसंद नहीं होती है, ठीक है, इरिटेट करती है उनको ज्वेलरी, और बहुत सारों को पसंद होती है। अब मेरे को खाली हाथ पसंद नहीं आएगा, मेरे को चाहिए अपने हाथ में कुछ, तो मैंने हाथ में धारण कर लिया, ठीक है जी। और जिसको नहीं पसंद आएगा वो गले में कर लेगा, लेकिन चॉइस आपकी है कि आप दोनों कर सकते। मतलब ओके, मैंने ये अपने जो सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होना चक्र के लिए शाम के टाइम पे, हाँ जी, मैं जब शाम में सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होता हूँ और आंख बंद करता हूँ तो सूर्य मेरे यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेरे को सूर्य दिखता है। आता वो पीठ पे ही है लेकिन ऊर्जा उठती है और ऊर्जा का जो लेवल है वो आज्ञा चक्र तक ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पे वाइब्रेट होता है। हाँ, यहाँ पे मतलब
आंखें बंद करने के बाद पूरा का हाथ सूर्य दिख रहा है। एग्जैक्टली सही जा रहे हैं आप। बाकी एक दो दिन की बात है, फिर हम आज्ञा चक्र पे ही पहुंच रहे हैं। एक एक करके हमने सफर तय कर ही लिया, मतलब पांच महाभूत तो हो ही गए। ये हफ्ता हमारा पांच महाभूत को ही समर्पित गया है। नेक्स्ट वीक हम आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र, इंगड़ा पिंगड़ा, नाड़ी का मेडिटेशन, उसके बाद मेडिटेशन, एंड आफ्टर दैट लेवल वन की अटूनमेंट। मजा आएगा अटूनमेंट लेने में, अनुभव है मेरे पास, नॉलेज है मेरे पास, क्या नाम है, कनेक्टेड महसूस कर पा रहा हूँ खुद को मैं, एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी है मेरी लेवल वन के अटूनमेंट लेने की। माहौल सा बदल जाएगा, वो दो घंटे वाली अटूनमेंट पसंद नहीं आएगी हमें। हाँ जी सर, ओके। अंजलि शाह मैडम जी नमस्कार। फोटो बहुत अच्छी बनाई थी आपने, कोलाज वोलाज बना के भेजी थी फोटो। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम जी। हाँ जी आ रही है, बोलिए। धन्यवाद आपका, आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही। आपने आकाश और आकाश का जो मेल मिला दिया वो दिख ही रहा है, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, तो क्या मैं त्राटक कर सकती हूँ? नहीं नहीं करना। आप आईबॉल एक्सरसाइज कर लो, त्राटक क्यों करना है आपको? मैंने कल बताया तो था। नहीं कल बताया था ना आपने, इसलिए त्राटक नहीं करना। नहीं करना, अच्छा। और एक दूसरी बात भूल गई मैं, हाँ ये फॉर्म की जो आपने लिंक दी है वो लिंक ओपन ही नहीं हो रही है। मैं दूसरा तो बना रही हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा सबको, आप चिंता ना करें। ओके ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। प्रणाम सर। प्रणाम सुनील जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी सोच रहा हूँ अपना नाम आकाश रख लूं। रख लो सर, मेरे गुरु ने भी नाम आकाश ही रखा था। सर आप इतना तेज बोल लेते हो, इतना एक चीज पे इतना बोल दे शायद कोई नहीं बोल पाए। अच्छा ज्यादा तेज हो गया क्या? नहीं नहीं वो चीज नहीं सर, कि आपको इतना ज्ञान है कि इतना बता दिए एक चीज पर, कि आज तक मैं इतने जगह पे मैंने पढ़ाई किया लेकिन इतना नहीं सुना कि एक चीज पे इतना बोल दिया डेढ़ घंटे लेक्चर। आप आशीर्वाद बनाए रखो सर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ सर, आज मैंने वो पेड़ के साथ किया था और आवाज आ रही थी, साउंड आ रहा था, वो जैसा धक धक करता है ना वो पूरा सुनाई पड़ रहा था और छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो छोड़ के क्यों आए सर? आप ही जाना रहता है ना, इसके वही बैठ के पेड़ के नीचे क्लास अटेंड करते। और सर और दूसरा चीज ये पूछना था कि जैसा आपने बताया कि सर ऊपर करके चलना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन आज तक हमने ये सीखा या बहुत लोग यही बोलते हैं कि हमेशा सर नीचे रखना चाहिए, ऊपर नहीं रखना चाहिए। या हाँ एक बटन है आपका, हाँ ऐसे बंद करोगे तो बिजली कट जाएगी और ऑन करोगे तो बिजली आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे आपके एक बटन है। करोगे तो बॉडी से कनेक्शन कट जाएगा और ऐसे रखोगे तो बॉडी अलर्ट रहेगा, माइंड आपका हमेशा। अब क्या नाम है, जब आप दुनिया में ऐसा कौन सा कामयाब इंसान है जो सर झुका के चलता है, बताओ आप? नजर झुका के चलता है। अभी तो वही सब लोग यही बोलते हैं कि हमेशा नीचे देखना चाहिए, नीचे चलना चाहिए। आज पहली बार ऐसा मिला। नजर सामने चलती है और नीचे चलता है मेरा नजरिया, बस ये समझ के चलिए। ठीक है सर। जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी बोनट कितना लंबा है ये तो आपको नहीं पता होता ना, आइडिया हो कि मेरे को चलानी है, राइट? जब मैं नीचे भी चलता हूँ तो मेरी परछाई कितनी लंबी है, अगला कदम कहाँ जाएगा, मेरा आइडिया काम करता है, मेरा नजरिया काम करता है। और नजर तो हमेशा उसी की झुकती है जो गलत काम करता है, उठा के ही चलना चाहिए हमें। भगवान ने गौतम बुद्ध ने एक कॉमन एक्टिविटी की थी कि पैर में चप्पल डाल के मत चलो, राइट? ताकि नीचे कोई कीट पतंगा कीड़ा ना आए, ठीक है जी? इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो झुक के चलते थे, इसका मतलब ये था कि माइंड इतना अलर्ट हो,
चलो उठ के ही माइंड इतना अलर्ट हो कि तुम्हारे पाप तुम गलती से भी कोई गलती ना कर दो, इसका मतलब ये था। हाँ एग्जैक्ट हो, तो वो गलती से गलती ना हो उसके लिए अपने माइंड को अलर्ट रखना पड़ता है। पर टकराते वही है जो मोबाइल पे बात करते हुए चलते हैं नीचे झुक। ये बात सही है। तो सर बच्चे लोग को भी जैसे पढ़ना रहेगा, जैसे नीचे नीचे सर करके पढ़ते हैं उनको ऊपर करना पड़ेगा। देखो जी अब तो आप ऐसे रखो सामने, आंखों के सामने इतना होना चाहिए, तो आपके बच्चे का ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा नॉलेज में। ठीक है सर, अभी वैसे ही करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपके आशीर्वाद। सर जो मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के वो देख रहा हूँ, तो उसमें जो टेक्निक बता रहे हैं आप, तो उसका कनेक्शन भी यही अपना इसी से रहेगा आकाश तत्व। साइकोलॉजी ऑफ मनी तो भूल गया था। जी सर, साइकोलॉजी ऑफ मनी 110% आकाश तत्व से ही है। एनएलपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी ऑफ मनी सब आकाश तत्व के साथ, सर मतलब उन्हीं के विचारों से चलना। एग्जैक्टली सर। और एक सर, और वो जो ओशो की अब आप बात करते हैं, वो हमारे जबलपुर में ही जन्मे हैं। बहुत बढ़िया जी, तो आप तो परम ज्ञानी हो गए इस धरती में जन्म लेके। नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे परम ज्ञानी है, एक महर्षि महेश योगी है, प्रज्ञानंद है, स्वामी भावे हैं, और एक भी कोई एक महान है, जैसे 5 महापुरुषों का जन्म जबलपुर में हुआ है। बहुत बढ़िया, छठे आप हैं अब हमारे लिए। नहीं सर, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 5 से कुछ नहीं होता, जब 6 लगता है तभी पब्लिक में जोश आता है। नहीं सर बिल्कुल, 6 सर मारेंगे ना, इसीलिए थर्ड आई को ही अवेकनिंग का स्थान बोला गया है, मतलब आज्ञा चक्र को ही बोला गया, मतलब छक्का लगना चाहिए, अब आपका नंबर आना चाहिए सर। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम जी। सर मैं से पूछ रही थी, जो आपने एक्सरसाइज बताई है उसकी फिंगरप्रिंट्स वाली, वो डॉट लगाकर जो करना है, तो सर वो कितनी देर करनी है? एक बार फोटो खींच लो मैडम जी बस। तो सर यहाँ पे जब करते हैं ब्लिंक आईज को कितनी देर रखनी है हमें? मतलब रखो 20 सेकंड तो कम से कम। जी सर। और सर जैसे अभी आपने बताया कि ये डॉट लगाना है, जो भी हम चक्र पढ़ रहे हैं, तो उस डॉट को लगाकर रब करना है ओनली या लगा के रखना है? लगा के रखोगे तो ध्यान से काम हो जाएगा, और रब करोगे तो भी काम हो जाएगा। मीन्स अगर जैसे सुबह हमने लगा लिया, फिर वो वर्क करेगा सर पूरा दिन? बिल्कुल करेगा, आपका ध्यान भी तो जाएगा उसके ऊपर बार बार। अच्छा, मामला तो आपको उस चीज के साथ जोड़ना है ना। जी सर जी, और मैंने आपको कुछ नहीं बताया मैडम जी, सब कुछ आपने सुना है। हाँ जी सर, ठीक है। और सर एक बात, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हमारी आईज फोटोग्राफिक मेमोरी बना देती है, तो क्या सर साउंड भी फोटोग्राफिक मेमोरी बनाता है? साउंड कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करने में मदद करता है। क्योंकि सर जब हम शाम को मेडिटेशन कर रहे थे, तो जो उसका साउंड था वो मुझे ना नॉर्थ ईस्ट का लग रहा था, और मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव है, पहाड़ है, और इस टाइप के वो ऐसा फीलिंग आ रही थी, ऐसे लग रहा था उस साउंड की वजह से लग रहा था सर। चलिए ना, वो उसमें तिब्बतीयन म्यूजिक है, और तिब्बतीयन म्यूजिक जो है वो चाइनीज मूवी में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आपको वैसा कोई व्यू आ गया होगा, मतलब जब आपका ब्रेन है वो समझता तो सब है। जैसा आपने बोला रिवर, तो रिवर की फोटो आ जाएगी, लेकिन वो तब आएगी जब आपने रिवर को देख रखा होगा। जी सर। बोला माउंटेन, तो माउंटेन की फोटो आ जाएगी, लेकिन वो तब होगा जब आपने देख रखा होगा। तो कोई चीज आपने ऑलरेडी देख रखी होगी, उसने उस डेटे को रिप्रेजेंट कर दिया आपको बस। अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत आनंद आ रहा सर, आपकी क्लास में बहुत जानकारी मिल रही है सर। धन्यवाद जी। और हाँ जी जी बिल्कुल सर, आप भी आशीर्वाद बनाए रखे सर। सर मैं, हाँ मैंने ना आपसे पापा के बारे में बात की थी सर, मैंने आपके व्हाट्सएप पे पिक डाले थी पापा से, क्या सर आपको वो मिल गई थी जो हल्का सा ना ब्रेन हेमरेज हुआ था? सारा डेटा है, कल के इंतजार कर लीजिए, कल सबकी कॉल अटेंड करूंगा।
ओके 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 कल जी तुम सबकी कॉल अटेंड करूंगा, जो भी मैंने कल का दिन रखा ही इसीलिए कि मैं आप लोगों की कॉल अटेंड कर सकूं। जिसकी भी मिस कॉल चार की फैक्ट्री आई हुई है ना सर, उनको भी मेरी तरफ से ऑटोमेटिक चला जाएगा, मतलब आपको मिस कॉल करने की पड़ेगी अगर आपने मिस कॉल करके रखी हुई है। हाँ कॉल की थी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें जी। नेहा जी नमस्ते सर, आज पहली बार मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपका सेशन बहुत ही अच्छा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है आपसे मिलकर। मेरी परेशानी आप पर व्हाट्सएप पर बता दी है, लेकिन आप एक एक आंसर मिल जा रहा है। वो दोपहर की जो 3 बजे की जो क्लास थी ना, उसमें जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छा है। एक साल से ना मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ, इसलिए मेरा बहुत छूट रहा था, जो मैं पहले करती थी वो सब छूट रहा था, लेकिन आपने फिर से याद दिला दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। जो हो सके जितना हो सके मैं कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इतना ही कहना है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। जय श्री सर। दिव्या मैडम जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। सर आज की जो क्लास रही है, हाँ जी, मेरी जो कमी थी वो आज की क्लास में ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे लायक थी। कुछ जो एक तो स्टडी का लेवल जो बताया आपने, बुद्धि का, जनरली हम बच्चों को बोलते कि आप किताब पढ़िए वहां से बुद्धि, लेकिन वो थोड़ा सा थॉट हमारा शायद हम लोगों का एज ए टीचर अलग था। तीन प्रश्न मैंने निकाले हैं सर अभी। कुछ जो है चक्रास के जो बीच मंत्र होते हैं सर, उनको मतलब ध्यान, उनका ध्यान लगभग हर दिन लगभग कितना या दिन में या बीच में कितना टाइम कितना समय? बीज मंत्र 3 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए। 3 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं, जब मैं आपको करवाऊंगा मेडिटेशन तो बताऊंगा भी, बीज जो होते हैं वो आपको, मान लो मैंने कहा विशुद्धि चक्र से आपका मान लो थायराइड ठीक होगा, ठीक है जी, थायराइड का जो ग्लैंड होंगे, इस मंत्र की संरचना ही ऐसी है, वो उन्हीं रिलेटेड ग्लैंड के ऊपर, रिलेटेड ऑर्गन के ऊपर वाइब्रेशन करेगा, सर्कुलेशन करेगा। तो सर्कुलेशन लिमिटेड होना चाहिए, मतलब दवाई उतनी ही खाऊंगा जितनी काम करे मेरे शरीर। 3 मिनट में एक प्रॉपर सर्कुलेशन बन जाता है। जबरदस्त हमारे ग्लैंड के अंदर ब्लॉकेज भी होती है अगर ना, तो भी सर्कुलेशन बन जाता है, कोई भी गड़बड़ होती है तो ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाती है। अब अगर मैं लालच करके उसको 10 मिनट भी करूंगा ना, तो मैं एक्स्ट्रा डाइट ले रहा हूँ जो नुकसान करेगी। तो हम जो आपको म्यूजिक देंगे ना सर, 3 मिनट ही एक चक्र के ऊपर, 3 मिनट में भी 7 बार ही आपको सिर्फ बोलना है, ज्यादा नहीं करना। 3 मिनट में 7 बार ही यम का जाप करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना। उतना करो जितने का प्रभाव और बेनिफिट एकदम ले सको आप। दूसरा प्रश्न था कि चक्रास के अनुसार घर के अंदर अपन जो कलर के जो फोटो है वो रख सकते, चित्र या फोटोस रख सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे कि कलर आपकी आंखों के सामने आएगा, बंद आंखों के सामने। चित्र भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आंखें तो बंद ही होंगी ना? हाँ, एक अगर मेरी आंखों के सामने कलर आ जाए तो यस। शरीर में रुद्राक्ष को धारण करना कितना सापेक्ष होगा? शरीर में रुद्राक्ष को धारण करना कितना सापेक्ष होगा? 110%, 200% भी कहूँ तो कम है। रुद्राक्ष से बढ़िया कोई रेमेडी नहीं होती, नंबर वन, ठीक है जी। और जितना पावरफुल रिजल्ट आपको रुद्राक्ष देगा, कोई दूसरी चीज देगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो स्टोन आप डालते हो, मून स्टोन, ये होते हैं आपके प्लेनेटरी, एक ही प्लेनेट से मतलब ये जुड़े हुए हैं। मान लो कोई मंगल का है, कोई बुध का है, कोई गुरु का है, ठीक है, तो इनकी जो रेंज होती है दैट इज कॉल्ड उसी प्लेनेट के साथ। आज सुख दे रहा है तो कल को वाइब्रेशन हाई होगा, दुख भी देगा। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक, एक अंगूठी 15 साल ही डाले रखेंगे, 3 साल से ऊपर की तो लाइफ ही नहीं होती स्टोन की, 2 लाख रुपए खरीद लो। तो रुद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष और हकीक स्टोन लाइफ टाइम होते हैं। और दूसरा, रुद्राक्ष ऐसे नहीं धारण करना चाहिए,
नॉर्मल पांच मुखी रुद्राक्ष सर्वव्यापी है, छह मुखी रुद्राक्ष सर्वव्यापी है, इसके अलावा कोई भी रुद्राक्ष अगर आपको धारण करना है पांच और छह मुखी के अलावा, तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथ ही जुड़ेगा कि नहीं, मेरे रिक्वायरमेंट के साथ जुड़ेगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी पड़ती है। और बताइए, हो गए जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद जी, नमस्कार सर। नमस्कार काशी। नमस्कार जी। अभी हम बात कर रहे थे कि सर उठा के पढ़ना चाहिए, सर झुकाते हैं तो बटन बंद हो जाता है, कनेक्शन कम हो जाता है, लेकिन लिखते वक्त तो हमारा अक्सर जो है गर्दन नीचे ही जाएगी, उसको कैसे मेंटेन करें? यही एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपने पूछा है, बाकी सबको भी इसका अच्छा आंसर मिलेगा। लिख तब पाओगे, आपका हाथ तब चलेगा जब उस तक मेमोरी डिलीवर होगी। बिल्कुल, रिकॉल कर पाऊंगा तभी तो मेरा हाथ लिखेगा। बिल्कुल, पहले मेरे को जब याद करना है किसी चीज को, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके जाना है, परमानेंट मेमोरी के अंदर, तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और जब मैं लिखूंगा तो मैं काइनेस्थेटिक मेमोरी का यूज करूंगा। काइनेस्थेटिक मेमोरी में ऐसे ही यूज कर सकता हूँ हाथ के साथ, काइनेस्थेटिक मेमोरी में दिमाग के साथ यूज नहीं कर सकता, टच के साथ ही यूज कर सकता हूँ ना, चाहे मैं इशारे से लिख रहा हूँ, चाहे मैं नीचे बैठ के लिख रहा हूँ, कहीं लिख रहा हूँ, तो जो मैं लिखता हूँ वो मैं काइनेस्थेटिक मेमोरी के साथ लिखता हूँ, और जो मैं याद करता हूँ वो मैं अपने परमानेंट मेमोरी में फील करता हूँ। अगर मेरी परमानेंट मेमोरी में कुछ है उसको रिकॉल करने के लिए मुझे हाथ हिलाना ही पड़ेगा, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गर्दन झुकी भी रहे तो उससे कोई चक्कर नहीं है। अक्सर जो प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं वो पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं, तब उनको याद होती हैं चीजें, ऐसा नहीं होता। तीन पर्सनैलिटी होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ठीक है? तीन प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। विजुअल वो होते हैं जो बोर्ड पे देखते ही याद कर लेते हैं और लिखने में आलस करते हैं, मेरे जैसे लोग, ठीक है जी। कोई एक ऐसा होगा जो मैडम बोल रही है लेकिन वो लिखे ही जा रहे हैं, मैडम मना कर रही है कि सुनो सिर्फ, वो लिखे ही जा रहे हैं। कोई ऐसा जो देखता है सुनता है उसको याद हो जाता है, वो भी लिखेगा नहीं। लिखने वाली पर्सनैलिटी ही एक है, ये मजबूरी है कि हमारे एग्जाम में हमें लिखना ही पड़ता है सभी सदस्यों को, तो पर्सनैलिटी एक है। सबसे तेज पर्सनैलिटी माना जाता है वो आदमी जो विजुअल होता है, जो देखे और उसको याद हो जाए, वो सबसे तेज है, ठीक है। सेकेंड आता है विजुअल प्लस ऑडिटरी। थर्ड आदमी जो होता है ना वो क्लरिकल में आ जाता है सर, वो लिखता ही रहेगा, बिना लिखे उसको याद ही नहीं होगा, वो इमोशनल आदमी होगा, उसके कंधे पे आप हाथ रख के खड़े हो जाओ, जो लिख के याद करता है उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, कुछ बोल रहा हो ना उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख दो, उसकी आवाज भी नहीं निकलेगी बंदे की मुंह पे, वो थोड़ा सा उसको हम यही कहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के बच्चों के ऊपर काम करना चाहिए माता पिता को, और उसको विजुअल की तरफ डिवर्ट करना चाहिए। और जिनकी भी राइटिंग खराब होती है, गंदी राइटिंग बिल्कुल, वो सारे विजुअल है। ये तो भला हो कंप्यूटर का कि हम जैसे बच गए, लिखना नहीं पड़ता हमें, सारे डंडे हमने राइटिंग के चक्कर में ही खाए हैं स्कूल में, और बाद में समझ में आया कि अरे भाई राइटिंग तो मेरा स्किल ही नहीं था, मैं तो विजुअल था, और टीचर हमेशा ही लिखवाती रहती थी मुझसे, राइटिंग तो कभी स्किल ही नहीं था मेरा। तो जिसका राइटिंग स्किल नहीं होगा वो देख के सीखता होगा। आप बोलते नहीं अपने बच्चों को, जिसको याद तो सब कुछ लिख के नहीं आता, वो काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी का बच्चा नहीं है, इस वजह से वो लिख के नहीं आता। फॉरन के स्कूलों में या फॉरन एग्जाम सारे कैसे होते हैं, 30% विजुअल, 30% ऑडिटरी, मतलब परसेंटेज बांटी हुई है, आपके यहाँ पे नहीं बांटी हुई, आपको लिख के ही आता है पूरे साल में जो पढ़ा है। इसलिए बच्चे हमारे टैलेंटेड बच्चे भी समटाइम्स लैक कर जाते हैं लिखने के चक्कर में। बिल्कुल सर, थैंक यू। प्रोफेसर हार्वर्ड की रिसर्च है इसके ऊपर बहुत जबरदस्त, डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट के नाम से इसका एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है किसी भी पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए, तो वहां से आप क्लियर एंड कट पता कर सकते हो कि मेरा बच्चा किस मल्टी इंटेलिजेंट को बिलोंग करता है, ये देख के सीखता है, लिख के सीखता है या बोल के सीखता है, और ये कैसे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी भी मतलब हमारी मदद करती है इसके। बिल्कुल सर जी। बाकी सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाह रहा था, क्योंकि आपसे पहचान तो 2 साल 2.5 साल पहले हो गई थी, क्लास आपकी रेगुलर अब अटेंड कर रहा हूँ,
लेकिन आपके द्वारा बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो कि बिल्कुल जिनका स्वरूप बदल गया है, रूप बदल गया है, क्या क्या बदल गया मैं कह नहीं सकता, और जो आप काम कर रहे हैं यकीनन तौर पे हम सबका सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं आपका कि जो चीज आप कर रहे हैं ये अमेजिंग है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जयजनीत सर। नमस्कार मैडम जी। सर मेरा ये सवाल है आपसे कि ना जैसे आईज के ऊपर किस चक्र पे हमें हीलिंग देनी चाहिए, बच्चों के जैसे आईज वीक है या कुछ है। सलाइवा डालो ना मैडम जी, सुबह उठते उनको बोला सलाइवा डाले। जी जी हीलिंग सर बड़ा मैंने डालना था। हाँ जी। कब तक डालना चाहिए सर? डालते रहो, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। और नाभि में गाय के दूध का देसी घी जो बनता है ना, गाय के दूध से देसी घी बनता है, नाभि में वो डाल दो तो वैसे ही बच्चे की आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। एक और था मेरा सवाल, मेरी मदर हैं, उनको ना सुनाई बहुत कम देता है, तो उसके लिए मुझे उनके किस तरह से हीलिंग करनी चाहिए? एज कितनी है? मदर की 50-55 होंगी। श्वास ध्यान करवाओ, सुनने की पावर बढ़ाने के लिए श्वास ध्यान ही होता है सिर्फ। कैसे सर, थोड़ा सा बताएंगे? सांसों पे ध्यान देना। सांसों पे ध्यान देना। हाँ जी। कौन सी सांस जा रही है, पूरा हिसाब दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस करवाना। हमारी यूट्यूब पे क्लास भी है इसकी, श्वास ध्यान के ऊपर स्वर विज्ञान सकते हो। हाँ जी सर, मैंने कल यूट्यूब पे थी, आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा सिखाते हो। सर बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, पढ़ना नहीं चाहते, मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते, इवन माँ बाप की तो सुनना ही नहीं चाहते। बहुत बढ़िया है। अब आप इतनी सारी शिकायतें बच्चों से लेके बैठे हो, बच्चे की भी सुननी पड़ेगी पहले कि भैया तुम तो आपसे तो शिकायतें वो भी बता देगा। मदर ऑलवेज बुरी की पढ़ने के लिए कहती है। देखो जी, मेरा ये मानना है, यहाँ पे मैं आपका पक्ष नहीं ले सकता बिना बच्चे के समय, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बच्चे बड़े कोमल होते हैं। हमारे अंदर गुड पेरेंटिंग के स्किल होने चाहिए। अगर बच्चा माँ बाप की नहीं सुन रहा तो दोस्त की तो सुनेगा ना, तो हमें अपने आप को दोस्त के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए और दोस्त बन के बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए, तो बच्चा सब करेगा। सर मैंने आपको ना कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं पर्सनल, आपसे बात हो सकती है मेरी? कल बात कर लीजिएगा, कल मैं कॉल सेंटर हूँ जी। तो सर बच्चे से भी बात कराऊंगी फिर। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड, आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। हम पे भी बनाइए सर। जय जिनेंद्र सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज तो इवनिंग में जो आपने मेडिटेशन कराया, अमृत बेला बिल्कुल सामने, बहुत बढ़िया जी, जंगल झरना, तो अकेले मंदिर सारा अमृत हमें नहीं पिलाओगे सबको? और सर सातों चक्रास एकदम क्लीन, सातों तत्व एकदम क्लीन। बहुत बढ़िया जी, आपको अच्छा अनुभव होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत आनंद आ गया, आपके इतने मैंने किए हैं, लेकिन ये जो था ये बिल्कुल अलग था मेरे लिए, तो जो मुझे एहसास है उसका आपका बहुत बहुत अनुमोदन, आशीर्वाद बनाए रखिए जी बहुत। और आज का सरस्वती का वास जो बताया आपने सिद्ध चक्र पे, सरस्वती को शीर्षत प्रणाम, सबको बौद्धिक बुद्धि प्रदान करे और सबको सबको जीवन उत्तम करे, यही प्रार्थना। बहुत बढ़िया जी, फोटो नहीं भेजी आपने अपनी ट्री के साथ? मैं भेजूंगी सर, अभी थोड़ा सा बाहर कम निकल रही थी। मेरा नाम पता है ना आपको? हाँ। बाहर लिखा होता है ना कि आई एम वॉचिंग यू, नजरें सबके ऊपर है, किसने फोटो भेजी है किसने नहीं भेजी, क्योंकि आप कहीं भी छुप जाओ आकाश की नजर से नहीं छुप सकते। अब आपसे कहाँ छुप सकते हैं, अब तो छुपने का कोई सवाल तो से छिप नहीं सकते आप इससे, तो फोटो भेज दीजिएगा अपनी। ठीक है सर, जो आपने रुद्राक्ष वो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत हेल्प कर रहा है शायद। बिल्कुल मैडम जी, आशीर्वाद बनाए रखें जी। बिल्कुल सर, लेकिन आज तो आनंद आ गया सर शाम के। बहुत आकाश जी को जय जिनेंद्र। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र। एक साथ ऑनलाइन आए हैं, पहले जी को आहर जी को ले लेते हैं। पी जी। जी सर। हाँ जी। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ
अब 3-4-5 दिन से मैं आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो मेडिटेशन था, वो जो संगीत आप मेडिटेशन करते वक्त जो संगीत थी, ऐसा लग रहा था वो सर के ऊपर से अंदर जा रही थी पूरे शरीर में से। बहुत बढ़िया जी। हाँ, ऐसा पूरा शरीर से ऊपर से लेकर नीचे पूरे शरीर में जा रहे थे म्यूजिक, ऐसा लग रहा था पूरा। बहुत बढ़िया सर जी। सर जी प्रॉब्लम पूछना था आपको, कल फोन करके पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन पूछना था। प्रॉब्लम छोड़नी है तो सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब प्रॉब्लम छोड़ देंगे। यस यस, सॉरी, काम कर पाऊंगा मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, बट प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे हम। नहीं, सॉल्यूशन मेरे को आपसे चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल। और आकाश सर से आकाश तत्व की शुभकामना करते हैं। मेरे पास नहीं जी, वो ब्रह्मांडी है, मैं खुद वहीं से लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आकाश जी को। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आकाश जी, हमने आज आपके आकाश तत्व से वंचित हो गए, आपने हमको आकाश से ही बाहर कर दिया। 500 के अंदर हम आ ही नहीं पाए, तो हम तो इससे वंचित रह गए। आप बताए आप इसका लाभ कैसे मिलेगा हमको। सर YouTube पे आ जाएगी वीडियो अभी आधे घंटे के अंदर, क्लास खत्म होने के 20 मिनट में आ जाती है वीडियो। सर ये मेरी शिकायत कल भी रही थी, तो आपने बताया था कि अभी कल से अपन 1000 कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आज भी हम 500 में नहीं आ पाए दायरे में। कहा कि आप लोग गारंटी लो 1000 लोगों की, मैं तो 2000 का लिंक भी कर दूंगा। एक्चुअली क्या है सर, मैं एक बात आता हूँ, मैं इलाज में बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाले कुछ व्यक्ति हैं हमारे साथ जुड़े हुए क्लास के अंदर ही, जो निस्वार्थ भाव से क्लास का प्रचार कर रहे हैं, और मुझे लगता है उन्हीं ग्रेटिट्यूड वाले व्यक्तियों की वजह से आप लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है जी। आप में से मेरे ख्याल से 50% सदस्य है कुछ ऐसे व्यक्तियों की वजह से मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आपको फोन करके इस क्लास से जोड़ने के लिए समझाने की आपको कोशिश की। बिल्कुल, ये है कि मेरे को एक बार ये श्योरिटी हो जाएगी हम 1000 हो जाएंगे, तो मैं 1000 का लिंक भी कर लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड क्या नाम है व्यक्त करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को साथ में हमें जोड़ना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अध्यात्म को पहुंचा सके। तो जो मैसेज पास करने का काम है ना सर, वो आपका है सबका, मतलब आप सब अगर ये जिम्मेवारी लेंगे तो 1000 या 5000 भी हो जाएंगे हम लोग उस मोमेंट के ऊपर। और कहानी क्लास की है, तो क्लास जब तक जीवित हूँ, जब तक श्वास है, तब तक क्लास चलती रहेंगी और निस्वार्थ भाव से चलती रहेंगी, और जिस जिसको जो फायदा दे सकते हैं उसके लिए मेरी कमिटमेंट है। क्लास चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी हमेशा। चलिए साहब, आपका आदेश होगा तो प्रयास हम बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। क्लास की जरूरत नहीं है सर, 500 लोग एक एक आदमी जोड़ना है बस, हो गए सर। फिर भी कुछ बाहर ही होंगे, एक एक भी जोड़ लेंगे हम तो। तो भी हो जाएंगे। चलिए साहब बहुत अच्छा, हम देखेंगे यूट्यूब पे। थैंक यू सर, बनाए रखिए, माफी चाहूंगा आपको जो भी असुविधा हुई सर, आशीर्वाद। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, जय जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका, रोज आप हमारी डेली डे बाय डे अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे किसी को थायराइड होता है, आप जैसे कह रहे हो कि वो रिवर्स हो जाता है विशुद्धि चक्र पे काम करने पे, तो सर उस टाइम पे हम उसको क्या फील करें कि वो इम्बैलेंस है आकाश तत्व के कम है उस टाइम? अभी तो हम चक्र सीख रहे हैं। चक्र पे काम करने के द्वारा हीलिंग सीखेंगे, अभी चक्र को समझ रहे ना कि ये दवाई और ये काम करती है, तो हीलिंग भी सिखानी है। अब मैंने कहा ये मेंटल ओरा से बिलोंग करता है, ठीक है जी, आउट रिवर्स करने के लिए आपको मेंटल ओरा चाहिए होगा, मेंटल ओरा पे भी काम करना पड़ेगा। चक्र कॉस्मिक एनर्जी पे काम करेगा आपके, और मेंटल ओरा के लिए मुझे उसका रूट कॉज चाहिए, उसको थायराइड क्यों हुआ। अच्छा, तो थायराइड एक पर्टिकुलर विचार की वजह से हुआ, और आपको विचार पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप विचार को भी बदलोगे और बाहर से आप उसकी हीलिंग भी करोगे, तो थायराइड ठीक होगा बिल्कुल। तो आपको पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, मतलब वो सिर्फ आकाश तत्व की वजह से नहीं है, मेंटल ओरा की वजह से है ना मैडम जी प्रॉब्लम तो। अच्छा, मेंटल ओरे को, मेंटल ओरे से उस विचार को बाहर निकालना है मुझे, जिसकी वजह से आ रही है, और स्वास्थ्य को लेके आना है अंदर, हीलिंग को लेके आएगी,
जो हीलिंग और मेरी टेक्निक उस विचार को रिवर्स करेगी। अब आप ये समझो कि किसी को कैंसर हो और डॉक्टर ये कहता है कि कैंसर रहने दो अंदर, ऊपर ऊपर से काम कर देते हैं, डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को कैंसर पूरा बाहर निकालना पड़ता है। अगर दो बार रेडिएशन देने की जरूरत है तो तीन बार रेडिएशन देगा, क्यों देगा, कुछ रह ना जाए। तो आपकी हीलिंग ऊपर से लिफापोती नहीं करनी है हमें, टेम्परेरी काम नहीं करना है कि मैंने आपको हीलिंग दे दी और आप हील हो गए, आपको परमानेंट काम करना है। परमानेंट काम करने के लिए उस विचार को भी बाहर करना है। और वैसे हर एक कैंसर पेशेंट मेरे पास है और वो मुझे कहता है हील कर दो, तो मैं कहता हूँ पहले बताओ बीमारी कहाँ से लेके आए, जीवन में आप ऐसा सोचते थे इसकी वजह से बीमारी हुई, कहता है हाँ जी मैं ऐसा सोचता था। तो पहले आपको अपना सोचना बदलना है, फिर आपके ऊपर हीलिंग भी काम करेगी। तो हम ये सीखेंगे आगे की क्लास के अंदर। ठीक है सर, एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे कोई भी इयर्स की प्रॉब्लम होती है तो इयर्स के प्रॉब्लम में जैसे कहते हैं कि शून्य मुद्रा करो, तो उसमें तो हम आकाश तत्व घटा रहे हैं, तो कहते हैं आकाश तत्व बढ़ गया है तो आकाश तत्व घटाएं तो इयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो क्या फिर शून्य मुद्रा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए आपको हर जगह पे। अगर शून्य मुद्रा काम है तो उसका कोई अस्तित्व भी तो है ना, बैलेंसिंग चाहिए चाहिए। थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था, लाइक थायराइड मतलब आकाश तत्व की कमी की वजह से है और शुद्ध चक्र का ऑर्गन है थायराइड के लिए। सारी बीमारियों की बात करते हैं, ठीक है, सारी बीमारी आपके दिमाग में कोई रेडिएशन की वजह से थोड़ी आती है। कोरोना उतने ही लोगों को तो हुआ जो डर गए थे पहले, हाँ जी, जो भयंकर डर गए थे, डराया किसने? आज कोरोना नहीं है क्या? है ना, आज भी डराया किसने? मीडिया ने। ठीक है जी, अब आप एक बात को समझिएगा, हर बीमारी का एक रूट कॉज होता है, और वो आपके विचार से आपके शरीर के अंदर आती है। ये बात आप क्लियर समझिए, तो आपका पूरे मेंटल वर्क का एक रूट कॉज होता है। थायराइड को हटा दो, बीपी को हटा दो, दूसरे को हटा, सारी चीजों को हटा दो, किसी रूट कॉज के द्वारा, किसी भय के द्वारा, किसी इनसिक्योरिटी के द्वारा, कोई सी नफरत के द्वारा वो बीमारी एंटर करी है मेरी बॉडी में, तो उसको रिवर्स करने के लिए मुझे दूसरी टेक्निक का भी यूज करना पड़ेगा। ये मेंटल हो रहा है, और एक है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल जैसे परमानेंट होना, मतलब मान लो किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये भी फैलता है टच में आने से, दैट इज एक्सीडेंटल, इसको आप एक्सीडेंटल कहोगे। और जो दूसरी डिजीज है उनको आप कहोगे मेंटल और से रिलेटेड डिजीज है। एक है मैं बीमार हूँ मुझे दवाई खानी है, एक है भैया मेरी गाड़ी ठोक दी और मेरे को चोट लग गई तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, तो दोनों चीजें। और एक हीलर के पास सारी टेक्निक्स होनी चाहिए, तो आपको मेंटल हो रहे पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और जब सामने वाले को आप यही बता दो कि भाई तेरी बीमारी का कारण ये है और बीमारी से वो परेशान है, तो वो सोचेगा क्या उस बात को? कोई रोज कह रहा है अपने घर में कि ग्रह कलेश है कि मैं तो मरी जाऊं, मैं तो मरी जाऊं, और फिर एक दिन आपके पास आ गया वो व्यक्ति और वो बोलने लगा जी मेरे को तो ना जी ट्यूमर हो गया, आप मेरी हीलिंग कर दो। ठीक है, आप अपना बेस्ट दोगे, लेकिन आप सिर्फ ऊपर से ही हीलिंग कर पा रहे हो उस आदमी की, अंदर काम नहीं हो रहा, वो रिसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज भी वो उसी थॉट के साथ जिंदा है। अब आपको क्या करना है, आपको उस विचार को रिवर्स करना है। आपने पूछा ट्यूमर हुआ कैसे, परमानेंट डिजीज है ये तो, हाँ, आपको जिंदगी से प्यार नहीं था, कभी आपने सुसाइडल विचार लेके आया क्या, कभी आपकी लाइफ में ऐसा आया जहाँ आपने मरने मराने की बात करी? बताएगा आपका ट्रॉमा आपको, उसके ट्रॉमा को रिमूव करना है आपको प्रॉपर तरीके से, बोलना नहीं इसी की वजह से बीमारी आई है, ठीक होना चाहते हो तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक क्यों होना चाहते हो? अपनी जिम्मेदारियां बताएगा वो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जी, मेरा ये है जी, मेरा वो है, अब उनके लिए जीना है और खुद के लिए भी जीना है, जीना है तब आपको ये सोचना है और मैं आपकी हीलिंग स्टार्ट करती हूँ, तब उसके ऊपर हीलिंग चार गुना स्पीड से काम करेगी। हीलिंग ऐसे काम नहीं करती कि आपने मेरे को फोटो भेजी और मैंने कहा जी हीलिंग हो रही है, वो हीलिंग काम करेगी 30%। क्या व्यक्ति आईसीयू में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, अनकॉन्शियस है, उसके ऊपर काम करेगी बहुत अच्छी हीलिंग। लेकिन जहां पे व्यक्ति अवेक है और वो किसी कोर्स के साथ बैठा है, इफेक्ट के साथ बैठा है, तो उसके कोर्स पे भी जाना पड़ेगा। तो यही हीलर का काम होता है एक्चुअली, यू आर हीलर प्लस काउंसलर टू। और आपको स्मार्टनेस होनी चाहिए आपको ये बात पकड़ने की, वो आप पकड़ लोगे चीजों को, जब आप
जो क्लास आप यहाँ सीख रहे हो ना, आप ये चीजें पकड़ लोगे अपने कस्टमर के अंदर, आप उसको बात करने उसके तरीके से, उसका कौन सा तत्व चालू कौन सा तत्व नहीं चालू, सारी चीजें पकड़ लोगे आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बेसिकली तो पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है कि अगर जहां नेगेटिव थॉट्स आ रही है वही रूट कॉज बन रहा है हर एक चीज का। ये नेगेटिव भी समटाइम्स अच्छे होते हैं, समटाइम्स नेगेटिव भी आपके इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं, नेगेटिव समटाइम्स आपको बहुत अवेयरनेस देते हैं। दोनों ही होना जरूरी है और दोनों को समझने आना जरूरी है, न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है, मतलब ना पॉजिटिव होना जरूरी ना नेगेटिव होना जरूरी, होना जरूरी है कि मैं पॉजिटिव को भी मैनेज कर सकूं और मैं नेगेटिव को भी मैनेज कर सकूं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। मनीषा जी कृपया म्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर, बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। मैं पहली बार कोई क्लास अटेंड कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे शिल्पा जैन ने आपका बताया और मैंने उसकी बदौलत आपका किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहती थी, क्या कहते, मैं जब कभी बैठती हूँ ना, जब भी बहुत कोई पॉजिटिव सामने को इंसान होता है तो जो मेरा सविदिशान चक्र जो है वो एकदम से ना वाइब्रेशन करने लग जाता है, वाइब्रेट होता है, कुछ मतलब चलता है मेरे अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आता जी क्यों चलता है। बस समझने के लिए आपको सोमवार तक का इंतजार करना है, क्योंकि सोमवार को हम इसी चक्र पे बात करने वाले हैं। तो एक और, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ऐसी है, मैंने शिल्पा से भी बोला था कि वो आपसे बात करे, मुझे मिलना है आपसे। शिल्पा जी का फोन मेरे पास आया था और दिखा नहीं पाया था अपनी व्यवस्था के कारण, तो मैं कल कर लूंगा आपसे बात, आप कल फोन कर लीजिएगा मुझे। तो ये जो लास्ट में 888 वाला नंबर है वो आप ही का ही है? मैं कल फोन में बात करूंगी। थैंक यू थैंक यू। और आज मैं पेड़ के पास भी गई थी और वहां उसके साथ लिपट के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आज इतनी खुश हुई जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें जी सर आप। धन्यवाद जी। रीता जैन मैडम जी। जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका इतना ज्ञान देने के लिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग छत पर सोते हैं तो उनका आकाश तत्व एक्टिव रहता है, क्योंकि वो तो हमेशा आकाश की तरफ ही देखते हैं। ऐसे तो सेल्समैन सारा दिन सड़क पर घूमता रहता है, वो नहीं जो लोग रात हैं, खुले में रहने वाले के सारे तत्व ठीक रहेंगे, किसान के सारे तत्व आपको बैलेंसिंग मिलेंगे। अच्छा ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा मेरे को अपने अवेयरनेस से भी कनेक्टेड होना उन चीजों से। अच्छा, ऐसे छत पे सोने वाले को फायदा तो मिलेगा ही, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। जी जी सर, दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जैसे मैंने आज आपका सवेरे का वो मेडिटेशन लिया तो मेरे को ये फील हुआ कि मैं किसी पार्क में हूँ और वहाँ बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और मैं गोल गोल घूम रही हूँ, नाच रही हूँ और मेरे पंख आ गए, परी जैसे मैं उड़ रही हूँ, ऐसा मेरे को फील हुआ। अच्छा मैडम जी, ये तो बहुत मतलब कुछ ना कुछ अनुभव होना चाहिए मेडिटेशन की। अनुभव हो रहा था और अनुभव और कोई नहीं है, बस पक्षी चहचहा रहे हैं और मैं सारे पार्क में गोल गोल घूम रही हूँ और परियों की तरह से मतलब नाच रही हूँ। बहुत बढ़िया जी। और एक सर मुझे अपने जी और किसी को बताइएगा मत, क्योंकि सारे लोग जिनको 111 122 222 दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर यही ढूंढ रहे हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है, भूल गई आपसे बात करते करते, जो ब्लू कलर के फ्रूट्स आपने बताए हैं उनके नाम बता दीजिए एक दूसरे, एक जो खाने हैं हमें आकाश तत्व को एक्टिव करने के लिए। कौन सी प्रेजेंटेशन ही मिलेगी, सबको मिलेगी, सात कलर सात फ्रूट, एक फ्रूट भी कई सारे फ्रूट मिलेंगे जी जी। ब्लू कलर के आपको ग्रेप्स भी मिलते हैं, ब्लूबेरी भी मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद आपका, आशीर्वाद बनाए रखे आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम कौर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
मैंने आपका प्रोग्राम कल पहली बारी हार्ट चक्रा के ऊपर सुनना था सर। मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मेडिटेशन कहीं से ज्वाइन करी हुई हूँ, लेकिन जो आपने बताया वो कभी किसी ने नहीं बताया, कभी नहीं बताया किसी ने बताया। सुन के बहुत अच्छा लगा सर, और आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़ी हूँ आपके साथ, मैं कहीं गई हुई थी। तो सर एक थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा थेरेपीज करती हूँ, ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर वगैरह, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ मैं, मतलब अपने लिए। तो एक तो मैं जब करती हूँ, किसी का ट्रीटमेंट देती हूँ किसी को, तो उसके बाद शायद उसकी एनर्जी रिवर्स हो जाती है, तो मेरी अपनी तबीयत खराब हो जाती है। उसका क्या रीजन है, उसका क्या मेरे को करना चाहिए? और एक मैं अपनी थोड़ी सी जो मैं क्लास हूँ, अभी मैंने 2 साल क्लासेस भी मैंने बहुत लर्निंग की ज्वाइन करी हुई है ऑनलाइन जैसे, तो मेरी मेरे को कमी नहीं है, लेकिन माइंड में ना याद भूल जाता है, उस टाइम लगता है सब अच्छे से मेरे ग्रैस्प हो गया, लेकिन फिर भूलती भी उतनी जल्दी हूँ। एक तो ऐसा बोलना नहीं है कि मैं भूलती जल्दी हूँ, ठीक है जी। एक लड़ाई चक्र का इंतजार कीजिए, जो भी हमारे दिमाग में ये बहम है ना कि मतलब कि कोई दूसरा मेरी एनर्जी ले जाएगा, तो एनर्जी को लॉक कर प्रोटेक्ट करना आपके थर्ड आई चक्र से होता है सारा काम। तो थर्ड आई चक्र अपन मंडे को करेंगे और उसमें आपके सवाल का मतलब कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ओके सर, कुछ मेमोरी वो भी उसी में आएगा जो थोड़ा सा स्टेबल है। मेमोरी के लिए तो मैंने मुद्रा वाली क्लास करवाई है ना मैडम जी 7 बजे। सर मैंने तो कल ही आपका फर्स्ट डे ज्वाइन किया। अच्छा, आप एक्यूप्रेशर वगैरह करते हैं ना? हाँ जी सर, मैं करती हूँ। फिंगरप्रिंट को मिलाना है और उनको ऐसे से रब करना है, ठीक है जी, सिर्फ फिंगरप्रिंट को और किसी चीज को नहीं। मेमोरी पावर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी आपकी, क्योंकि सर कंसंट्रेशन के लिए चक्रा में जब मेरे को होता नहीं है पूरा कंसंट्रेशन, लेकिन मैं अनुलोम विलोम करने की कोशिश ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है, मेरी स्पाइन थोड़ी सी कंप्रेस्ड है 2-3 जगह से, तो उसका मैं ज्यादा बैठना मेरे को अलाउड नहीं है। तो मैं जो मेडिटेशन करती हूँ वो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट के ज्यादा करती हूँ, तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है बैठ के या लेट के करने में? शवासन में कर सकते हैं लेट के आप। तो अनुलोम विलोम वगैरह मैं लेट के करूँ तो मेरे को इफेक्ट इक्वली मिलेगा, या चक्रा मेडिटेशन जो हम करते हैं? खाली चक्रा मेडिटेशन करो ना मैडम जी, और आप एक बार हमारी क्लास में करो, आप खुद कहोगे कि मजा आ गया। सर थोड़ा लाई डाउन पोजीशन में कर सकते हैं? चक्रा के मेडिटेशन के बाद लाई डाउन होना ही होना होता है बैलेंसिंग करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, वाइल डूइंग? हाँ जी, करने के समय हाँ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप जरूर उसी पोस्चर में तो कर पाओगे जो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। थोड़ा डॉक्टर बैठने के लिए ज्यादा मना करते हैं इसलिए। टायर वाली चेयर नहीं बोली डॉक्टर ने आपको? नहीं, और थोड़ी एक्चुअली स्पाइन अपर में थोड़ी सी दबी हुई है, तो उन्होंने कहा है ज्यादा देर आपको लंबा बैठना नहीं है। चल लो या लेट जाओ। जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं उनको टायर वाली चेयर यूज करनी चाहिए। ओके, पहली बात। दूसरा, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा तो आप लेट के ही करो ना मैडम जी, जो आपकी हेल्थ लो कर रही है आप उसी को प्रायोरिटी दो। शरीर कंफर्टेबल होगा तो ध्यान लगेगा, शरीर अनकंफर्टेबल होगा तो ध्यान लग ही नहीं सकता ना। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास है सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। उद्धम जैन जी कितना अनम्यूट कीजिए। सतेंद्र कुमार जी कितना अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी जो क्लास है बहुत अच्छी है और ईश्वर आपको लंबी आयु एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मैंने कल ज्वाइन किया था, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मेडिटेशन पर जो आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत ही
क्या बोलते हैं, शब्दों से परे हैं। और मैंने आप इतने लोगों को सिखा रहे हैं, इतने अच्छा सेवा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी पावरफुल टेक्निक सिखा रहे हैं और ज्ञान इतना है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब डीपली। कल मैंने ज्वाइन किया, मतलब और लोगों को भी बहुत मैंने फॉलो करता हूँ मैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का भी मैंने सुदर्शन क्रिया की है और रेकी फर्स्ट लेवल भी की है और कई सारे चीजें की है, एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन है, स्वामी रामदेव का भी है, वो भी योग का रिलेटेड। बट जो आप जो जानकारी दी चक्र के बारे में, वो मैंने पढ़ा नहीं कहीं भी, पतंजलि की किताबें पढ़ी हैं पर उसमें भी नहीं पढ़ा। सर एक बात मालूम करनी थी, एक मेरा भाई है वो एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन टैबलेट खाता है? एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन उनको घुमाओ जी आकाश तत्व में रखो उनको। सॉरी, हल्का मेडिटेशन, कल का आपने हार्ट चक्र समझा था? हाँ समझा था सर, हार्ट चक्र और आज का आकाश तत्व, इन दो चीजों से कॉम्बिनेशन करवा दो, एक हफ्ते के अंदर छोड़ देगा। अच्छा, आकाश तत्व जो था वो मैं एक्चुअल में सर आपको 500 लिमिट हो गई थी वो मैं जुड़ नहीं पाया। आकाश तत्व का मतलब है खुले आसमान के नीचे। अच्छा, खुद को एक्सप्लोर करने की बात करना, खुले आसमान के लिए के नीचे अपने आप के बारे में अच्छा सोचना और खुले आसमान के नीचे पेड़ों को हग करना, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा सर अपने आप। डिप्रेशन तो बांध नहीं रखता है ना सर, खुलना ही तो है मुझे। आकाश तत्व से अच्छा कोई सिस्टम है नहीं, वो इनसिक्योरिटी फील करता है, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा का भाव कि कुछ हो जाएगा, ये असुरक्षा का भाव बिल्कुल फील नहीं करेगा। आप खुद के देख लो, एक हफ्ते के अंदर बदलाव आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। और इस तरह आपको लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करें और हमें आपका मार्गदर्शन यही मिलता रहे। जय जी जय जी मैडम जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू वंडरफुल सेशंस के लिए। सर जब आपने इवनिंग में मेडिटेशन करवाई तो मुझे जैसे रीटा जैन मैम को आई ना, मुझे भी ऐसे लगा कि मेरे सराउंडिंग में ना बर्ड्स ही बर्ड्स हैं और वो चर्पिंग कर रहे हैं और मैं उनके साथ खेल रही हूँ, उनके साथ ही इधर उधर भाग रही हूँ, काफी सारे बर्ड्स हैं। ऐसा हुआ मेरे को ना, उस टाइम एक्सट्रीम हेडेक था मेरे को, सुबह से ही था जब मैं उठी हूँ, तो सारा दिन टैबलेट्स वगैरह लेके भी ठीक हुआ इवन दो आई अटेंड द सेशंस। पर जब आपका ये जो इवनिंग वाली क्लास थी ना 7 बजे की जिसमें म्यूजिक था, ये उसको सुनने के बाद मैं एकदम से रिलैक्स हो गई और मुझे नहीं पता कि दवाई से भी जो ठीक नहीं हुआ उस म्यूजिक से मेरा सिर दर्द एकदम से कम्प्लीट ठीक हो गया। और हाँ जी कम्प्लीट कीजिए आपकी बात सर। ये इसके बाद मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को ना वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है और टेनिस एल्बो की भी है, ये आकाश तत्व के कारण है? ये आकाश तत्व, क्योंकि आपने कहा ना बाजुओं में, जैसे बाजू हमारी हिलती है तो ये जो है ये आकाश तत्व से है, तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम आपकी स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है। दोनों वेन्स की प्रॉब्लम स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, वेरिकोज की। और जो सर टेनिस एल्बो की है, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम एक्सीडेंटल है या वैसे है? ये वैसे ही है, अपने आप से ही हुई है। अपने आप से हुई है तो आकाश तत्व है। आकाश तत्व है, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिस बैलेंस करना पड़ेगा? हाँ जी, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आप क्लास में बने रहिए, बैलेंस कैसे करना है, मेडिटेशन करना है, सारा सिखाया जाएगा आपको, फिर उस प्रोसेस से कीजिएगा। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे शाम को आंटी जी ने बताया था कि वो गर्म पानी को मीन्स ठंडा करके वो फेंकते ताकि जो जीव होते हैं जीव हत्या ना हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम गर्म पानी करते हैं तो जीव तो उसमें भी होते हैं, तो हम उनको गर्म करके वो मर नहीं जाते, तो उसका क्या पाप नहीं लगता, तो वो हमारी गलती नहीं है? हम गीजर में पानी गर्म करते हैं, फिल्टर्स में पानी होता है, तो फिर हमें उनको सॉरी करना चाहिए क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जीव तो पानी में भी होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, बस जितना आपके कंट्रोल में ना, हाँ जी, उतना अवेयर होके चलो। मीन्स हमें उनको सॉरी, मतलब उन करने से पहले उनको सॉरी करना चाहिए कि ये हमारी मजबूरी है। जैसे आपने तुलसी का बोला, आप हमारे किसी काम आ पा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। मजबूरी शब्द यूज नहीं करना, आप हमारे किसी काम आ पा रहे हो, हम आपके किसी काम आ पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अपने आप को गिल्ट के भाव में नहीं लेना। और दूसरी चीज क्या होती है, जो आप सांस भी ले रहे हो ना मैडम जी,
हाँ जी, उसमें भी मैंने आपको ये भी पूछना था कि उसमें भी तो हम जब सांस निकालते हैं तो गर्म हवा निकलती है, तो कितने सारे जीव मतलब उनकी जीव हत्या होती है। हमारे हमारे से जुड़े हुई प्रकृति के अंदर हम डिस्ट्रॉयर भी हैं और हम क्रिएटर भी हैं, और जो प्राकृतिक है, ठीक है जी, हाँ जी, जो प्राकृतिक है उसके लिए हमें शांत रहना है और प्रोसेस पे ऐसे बने रहना है, और जानबूझ के कोई गलती हमें करनी नहीं है। ठीक है, और ये जो हम पीटल्स और या फ्लावर्स वगैरह जैसे सब्जियां भी हम खाते हैं, तो ये आज आपने कहा था ना कल जैसे पेड़ अब फल पक जाएगा तो वो अपने आप ही की उसको जरूरत नहीं, वो हमें वो खाना चाहिए, तो लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, तो जो फिर ये जो प्रोसेसिंग वगैरह ये सब आ रही है, तो इसमें फिर क्या चीज है इसका? हाँ, तो कल मैंने ये भी था कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास कंट्रोल करने का भी कोई चारा नहीं है, तो उसको भी एज इज ही लेना चाहिए कि हम आपका मतलब जो भी फल फ्रूट सब्जी आपके पास है हाथ जोड़ के धन्यवाद कर सकते हो कि आपने आपकी वजह से हमारे मेरे को कुछ तत्व मिल रहे हैं, कोई चीजें मिल रही हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ, ऐसी प्रेयर कर सकते हो। अब आप भाव दे सकते हो, अपना भाव मतलब जरूर दो। ठीक है सर, एक जो आपने शाम को बताया कि लिजर्ड्स वगैरह जैसे हम डर जाते हैं, मैं बहुत डरती हूँ, जैसे कहीं वॉल पे हूँ तो मुझे रूम में जाना है तो मैं एकदम से भाग के निकलती हूँ हमेशा, कि मुझे डर लगता है कि मेरे ऊपर ना गिर जाए, बचपन से ही मतलब यूं समझ लो कि ये डर सा मुझे उसको देख के डर लगता है। तो क्या होता है कि हमारे रूम में कहीं भी नहीं आती है, हम हमेशा डोर्स में क्लोज रखती हूँ कि अंदर रूम्स वगैरह में ना आए, तो अभी उनको देख के मीन्स उनको सॉरी फील करना और उनको बोलना है कि मुझे आपसे डर लगता है इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। हाँ जी, और जब मैं आपको जानने की और जीव विज्ञान को जानने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं समझ जाऊंगी तो मैं आपको इनवाइट भी कर लूंगी। ठीक है, लाइक तो जैसे घर में मतलब रैट्स वगैरह आ जाते हैं, उनको उनके लिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम लाइक उनके लिए पिंजरा वगैरह लगा देते हैं, बाद में उनको पार्क में छोड़ आते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब खाना रखती हूँ इवन दो भी वो जाते नहीं है। पिंजरे में सेवा करके छोड़ के आओ, बोलो। नहीं, खाना रखते हैं उसके बाद वो उसको इमीडिएटली, ताकि वो अंदर बेचारी ज्यादा देर कैद ना रहे, जैसे ही टक करता उसी टाइम हम भागते हैं और पार्क में छोड़ता है, क्या ये रॉन्ग है? इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है, बस धन्यवाद के भाव से रहो। और आप तो किसी ज्योतिषी से बात करो मैडम जी, वो आपको बताएंगे अगर सिर पे छिपकली गिर जाती है ना तो आपको राज्य अधिकार मिलता है, मतलब सीएम की पोजीशन मिल सकती है, और आप डर रहे हो कि अगर छिपकली गिर गई तो क्या होगा, छिपकली गिरने का मतलब राज्य अधिकार प्राप्त होना होता है। हाँ जी, ये मुझे मालूम है, लेकिन इवन मुझे फिर भी डर लगता है उससे बहुत। नहीं डरो, छिपकली ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ जी, नुकसान मीन्स जैसे बचपन से ही वो डर सा मन में बैठा, तो उसको देख के ही मीन्स डर लगने लगता है, तो लाइक जैसे कॉकरोचेस आ जाते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है एंड मैं डिनाई नहीं करूंगी, ये मेरी गलती है कि घर में कोई भी ना इतने सारे कॉकरोच हो गए थे कि कोई भी मतलब उनको भगाने, मतलब इतनी क्लीनिंग के बावजूद भी जैसे लोग किचन वगैरह की सफाई काफी देर बाद जैसे दिवालियों पे लोग करते हैं, और मैं हर 15 दिन बाद सारा सामान निकाल के, इवन दो कॉकरोच आ जाते थे तो ना पापा मम्मा मेरे हस्बैंड कोई भी कह रहा कि हम दवाई नहीं लगाएंगे जी, तू सफाई करी जा, चाहे रोज कर चाहे 2 दिन बाद कर, कि ये ना आए। और फिर मैंने ना बहुत दुखी हो गई, तो मैंने ना फिर उसको स्प्रे किया, पर वो मरे भी नहीं और कहीं वो गए भी नहीं, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए, उनको कैसे उनको सॉरी बोलूं कि आप जाओ किचन में। प्रेयर करके देखो, जीव को आप प्रेयर करो चला जाएगा, आपको स्प्रे करने की सफाई करने की दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फर्स्ट टाइम किया, हम जैन हैं, चीज को मैं तो घर पे कोई भी नहीं मानना, लेकिन मैं इतनी दुखी प्रेयर करो कि मुझे आपसे डर लगता है, मैं थोड़ा डिस्टरबेंस फील कर रही हूँ और मैं बाहर आपके लिए व्यवस्था करूंगी, बस प्रेयर करो और फिर देखो। ठीक है जी सर, थैंक यू, वंडरफुल सेशंस आर, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। थैंक यू जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मैं और मेरा भाई हम दोनों आपके क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोपहर का और शाम का क्लास हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, तो वो यूट्यूब से हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्पीच है वो हमको बहुत मान्य रखती है सर। यूट्यूब से कर लो सर, यूट्यूब पे रखिए क्लासेस। हाँ सर, ये शाम का क्लास तो हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं, 10 बजे वाला में आराम से दोनों ज्वाइन हो सकते हैं, हम लोग दोनों हो रहे हैं। अभी 2 दिन छूट गया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो उसकी वजह से, तो अभी तो ठीक है। आप YouTube से कीजिए सर, और कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताइएगा।
क्लास जो भी यहाँ से अपलोड होती है। जी सर, आपकी कृपा बनी रहे बस। थैंक यू सर, धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए। निशा जैन जी, निशा जैन मैडम जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपकी क्लास बहुत अच्छी रही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, आपने जो बताया वो प्रश्न में को उत्तर मिल रहे। धन्यवाद जी आपको, मेरे को मेरे बेटे के लिए आपसे बात करनी है। आप कल फोन कर लीजिएगा जी। कब टाइम बोल दो आप? 11 बजे के बाद कभी भी पूरा दिन फोन कर लीजिएगा। अच्छा, क्यों? मैं धार्मिक क्लास भी लेती हूँ बच्चों का ना, तो थोड़ा टाइम उधर चला जाता, तो आपका यूट्यूब में सब देखती हूँ मैं। आप अपना नाम लिख के मैसेज छोड़ देना। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज आपको कॉल बैक आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी। अच्छा, मैं ध्यान कब से कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा लेकिन यहाँ से मेरा फ्लो एकदम बंद हो गया, किसी ने बंद कर दिया है। तो आप चालू कर लो, अगर कोई बंद कर नहीं करती हूँ तो इधर से नहीं करती हूँ तो इधर से चक्कर ऐसे गोल गोल घूमता रहता, उसके बाद ध्यान नहीं होता मेरे को। आप क्लास में बने रहिए, देखिए सब कुछ आपके कंट्रोल में ही होगा। क्लास तो आप रात की क्लास में तो मेरे को नींद आ जाती है। 9:30 सोने का टाइम है मेरा, 4 बजे उठने का है। आपके भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके वजह से मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है। यूट्यूब वगैरह से करके देखिए मैडम जी। अच्छा, क्लास यूट्यूब से करके देखिए। कोशिश तो रहती कि आपके सामने करे तो हमको और अच्छा लगेगा। एक बोलते ना एनर्जी मिलती है गुरु के पास बैठे तो। थोड़ा मेरा अंतराय कर्म चल रहा है अभी, इसलिए थोड़ा हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं, आप आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कीजिए। आज नहीं कर सकते, एक महीने बाद कीजिए, और हम तो हमेशा ही अवेलेबल है यहाँ पे, कहीं भी आपके काम आ सके, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी छोटी छोटी बातें मेरे को अच्छी लगी, शायद मैं क्लास में बच्चे के साथ कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रखें जी। दीपक भवानी जी, नमस्कार सर। सर, जब भी आपने आज अपना ये कर रहा था मेडिटेशन आपका जो शाम का, वहां पे मुझे अपना ये थर्ड आई जो पीनियल ग्लैंड है, थर्ड आई पे मेरे जो बहुत वाइब्रेशन हो रहे थे, बहुत वाइब्रेशन हो रहे थे, बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा आंखें खोल के था आज, मैं क्योंकि मैं शॉप पे था तो इसके लिए, लेकिन वो जो भी वो कर रहा था तो उसमें भी मैं अपना ये फील कर रहा था वो थर्ड आई पे। आशीर्वाद बनाए रखें सर अपने ऐसे ही हमारे ऊपर, और नए नए अनुभव करें सर। और सर आज मैंने ये भी कर लिया, आपने फोटो देखी है, आज मैं पेड़ पे अपना ये आज आपने बोला, मैंने सवेरे से मैं अपने वैसे ही किया था कि अपने दुकान जाने के पहले ही मैंने कर लिया था ये सब। फोटो सर मैंने दिखाई भी आपकी, आपको। यस, हाँ जी, यस, आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू। संध्या मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर मेरे को ना ये बोलना था कि मतलब ना 2 दिन से ना मेरे पैर में और है ना जो नाभि के आसपास जगह बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिस वजह से मैं क्लास के लिए भी नहीं जा पाई, ना स्टडी कुछ भी नहीं हो रहा। किस चीज का पेन हो रहा है? पता नहीं क्यों, पैरों में तो मेरे मोस्टली होता है, बट ना कल से मेरे पैरों में और है ना जो नाभि के आसपास जो जगह है ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर को दिखाओ मैडम जी। डॉक्टर को मेडिसिन ली बट कोई उसका असर ही नहीं हुआ। नाभि में सरसों का तेल डाल के देख लो। और सर मेरा ना स्टडी में भी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा कई दिनों। अब कितनी पढ़ाई करोगे मैडम जी, आपने इतनी तो कर ली। अभी कहाँ, मेरा एग्जाम भी था, मतलब अभी मेरा सीजीएल का एग्जाम था, मतलब जो मेरे 110 नंबर आए बट 4 नंबर से वो रह गया अभी। कोई बात नहीं, बहुत पास तो पहुंच गए ना मैडम जी। कल दिन में एक बार बात कर लीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और कॉल करनी थी वैसे तो, आपका मटेरियल पेंडिंग भी है मेरे पास कुछ। और दूसरा, आप नाभि में तेल लगाइए। जी सर। नाभि में के आसपास पेन है तो नाभि को गीला रखिए, ऑयलिंग करके रखिए, आपको असर आ जाएगा।
हाँ कल ही से हुआ, बाकी जो आपने जैसे मेडिटेशन वगैरह बताए थे और वो भी कर रही हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा उससे। कोई नहीं, अब आप करके देखिए, आपको 100% असर आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखिए जी। साधना गोत्रा जी। सर जी, अपन जब सोते हैं फिर एक ही नाक से ये होती है, हाँ, श्वास चालू बंद होता है, तो कोई बोलते कि जिस नाक से अपनी श्वास चलता है वही उसी आंग पे से उठने का, दाएं साइड से आएगा तो दाएं साइड से उठने का, बाएं साइड से आएंगे तो बाएं साइड से, तो कैसे क्या ये? मैडम जी अभी ना हम चक्रास पे हैं, चक्रास के बाद हमारा आएगा इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, तो उसमें इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलेगा क्वेश्चन का, उसी के अंदर इसका जवाब आपको मिलेगा। और सर मैं तो ऐसे तो कबूतर को इनको सबको दाना डालती हूँ, अभी दो नए पक्षी आए, पता नहीं मुझे को कहाँ से आए क्या आए, उनको मैं रोटी डालती हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं आपको उनको फोटो डालूंगी, उनको क्या डालना चाहिए क्या नहीं वो मेरे को बोल देना उतना सिर्फ। मेरे को समझ में आएंगे तो मैं बता दूंगा मैडम जी, नहीं तो 56 भोग रख दो उनके सामने, कुछ तो खाई नहीं रोटी, लेकिन यही पे आते कौवा वो भी आते, मैं भी पेड़ों से वगैरह बात करती हूँ ना, सवेरे सवेरे उठने के बाद उनको गुड मॉर्निंग वगैरह सबको थैंक यू सॉरी वो सब बोलती हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी, लेकिन अभी वो जब से पक्षी आ रहे हैं ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो अलग ही है, यहाँ की नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया उनको, मैं रोटी डालती थी लेकिन मेरे को लगा अभी आप बाहर इतना घूमते हो करते हो आपको पता रहेगा उनको क्या डालना चाहिए क्या नहीं कैसे बोलना है, जानने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप उनके पासपोर्ट चेक कर लीजिएगा कल सुबह बाहर के कहां से आए हैं, कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा, फोटो भेज दीजिएगा पता लग जाएगा, नहीं तो फोटो खींच के गूगल पे लेंस पे भी डाल दोगे ना तो बता देगा कौन सी प्रजाति का पक्षी और क्या खाता है। अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। चलेगा चलेगा, धन्यवाद, थैंक यू सर। कैलाश जी गुप्ता जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी। नमस्कार सर। सर मैंने आपका देखा एक दो बार सुबह भी, 3-4 बजे आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं देखता, आप चींटियों के बारे में बता रहे थे तो मैं वैसे भी चींटियों का भक्त हूँ, चींटियों वगैरह को आटा चीनी वगैरह डालता रहता हूँ, डॉग को बिस्कुट वगैरह है, चिड़ियों को दाना वगैरह, कबूतरों वगैरह को बाजरा वगैरह, तो अच्छा लगा आपने ये सारी चीजें बताया। बाकी मैं सर एक सोशल एनजीओ से भी जुड़ा हूँ तो, और आप एनजीओ से हैं तो हमें और भी अच्छा लगा कि चलो एनजीओ के माध्यम से हमें आपसे कुछ अच्छा ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो सर ये जो ग्रह वगैरह होते हैं तो क्या ये रेकी वगैरह से बैलेंस हो जाते हैं सर, जो कहते हैं हमारे ग्रह कमजोर होते हैं तो सर, मतलब क्या इसमें वो होता है सर? सर मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया तो सब बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि कि मैं 2-3 मैं पहले मैं होटल में जॉब करता था तो मुझे वहां पे मुझे रेकी के बारे में पता मिला आज से 4-5 साल पहले तो वहां में, और आप लोगों के बारे में धीरे धीरे मैं खोजी रहा, सर्च करता रहा तो मिला, तो उसमें ये बताया जाता है सबकॉन्शियस माइंड और रेकी के द्वारा जो हम हीलिंग के द्वारा जो है कि सारी ग्रह वगैरह कुछ नहीं तो सबको हम वो कर लेते हैं, बीमारी वगैरह बड़ी बड़ी चीज वो हो जाती है, आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड समझ में आ जाए, रेकी समझ में आ जाए, ऐसी चीजें समझ में आ जाए ना तो जीवन के मालिक खुद बन जाते हो। सर सबकॉन्शियस माइंड तो समझ में आ गया, क्योंकि जापान के कौन सा एक डॉक्टर उन्होंने चावल के ऊपर रिसर्च किया हुआ था, चावल को गाली दिया तो चावल खराब हो गया, उसी को बोला चावल बहुत अच्छा है पानी में डाल के बहुत अच्छा है, अच्छा है तो चावल एकदम पूरा मतलब चावल की तरह भात की तरह पूरा वो फूल के अच्छा निकला। बिल्कुल जी। हाँ तो ये सबकॉन्शियस माइंड को तो मैं थोड़ा बुक वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो मुझे नॉलेज है ही, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो है यूनिवर्स का, और दूसरा आप ये बता रहे हैं रेकी का, तो इससे मतलब सारे हमारे ग्रह वगैरह सब ठीक हो जाते हैं जो कहते हैं ना कि हमारे राहु खराब है शनि खराब है या मतलब जो भी कमजोर है सूरज वगैरह, खराब कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को सिंक करना होता है। अच्छा, अब 80 साल के आदमी को पिज्जा नहीं खिलाओगे ना, पिज्जा टेस्ट करवा सकते हो, खिलाओगे तो उनकी जरूरत का फूड आप उनको,
और 15 साल के आदमी को आप 80 साल के आदमी वाला खाना नहीं खिलाओगे, वो पिज्जा ही मांगेगा आपसे। तो जीवन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हमें स्वयं को उसमें करना और कब कहाँ और क्या बिहेवियर करना है किस ऊर्जा के साथ ये समझना होता है, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। बाकी सर मैं बीमार बहुत ज्यादा रहता हूँ, मतलब जैसे मुझे वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम, जिसके बाद मेरी पहली जॉब भी तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा, मतलब होटल लाइन में जॉब करता था मैं, 5-स्टार होटल में, अभी मेडिकल लाइन में कर रहा हूँ और नॉर्मल सैलरी है ना के बराबर है। कैलाश जी अभी आपने बताया वो जापान के साइंटिस्ट में कोई रिसर्च करी थी, क्या थी वो? हाँ वो चावल के ऊपर, मैं सर डॉक्टर का नाम भूल के, पता है सत्सुन नकोमोटो क्या था सर नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने चावल पर रिसर्च किया हुआ था। हाँ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हाँ क्या बोला था चावल को? बोले कि आप बहुत अच्छे हो, मतलब कि हाँ तो उसका अच्छा रिजल्ट आया, जिसको हम अच्छा अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छा ही वो होता है। अच्छा तो फिर आप अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ? नहीं मैं हूँ नहीं, तो स्वास्थ्य रिजल्ट आएगा, बीमार बहुत जल्दी हो जाता हूँ आपने बोला ना। नहीं बीमार हो नहीं जाता हूँ सर, बीमारी है मेरे अंदर वेरी को, जब होटल में जॉब करता था तो मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैं मसाला वाली चीज इधर उधर चीजें कुछ खाता था और खड़े होने वाला काम करता था ऑयली फूड, तो उस वक्त मुझे वेरी कोच वेंस की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह डॉक्टर ने बोल दिया खड़ा होने के लिए मना कर दिया। ये सब छोड़ दो, जो हो गया हो गया, वो करेक्ट भी तो हो सकता है ना। हाँ तो वही तो मैं अपने को कभी नहीं फील करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी सारी वेंस बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, ब्रह्मांड और डॉक्टर की मदद से मैं बिल्कुल स्वस्थ इंसान की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, ये बोल रहा है हमेशा। हाँ मैं यही चीज मतलब अपने मन से थोड़ा बहुत मतलब दो चार बोलता रहता हूँ, जो आपने बताया उसके कुछ चीजें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में ब्राह्मण मतलब दवाइयां मुझे बहुत अच्छा काम कर रही है, ऊपर के वाले के पास मैं ठीक हो, कहते हैं दवा और दुआ, कह रहे वो चुंग के पास मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ हो गया हूँ, तो मैं हमेशा मतलब बोलता अपने कभी अंदर से फील नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बाकी सर मैं जैसे रेकी वगैरह सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सर मैं जैसे जॉब में रहता हूँ क्या, मतलब शाम को भी 8-9 बजे का क्लास होता है, फर्स्ट लेवल या 2 लेवल वगैरह का? 10 बजे क्लास शुरू होती है जी और इस टाइम खत्म होती है, आप आखिरी क्वेश्चन लेके बैठे हो, ये खत्म होने का टाइम है, तो 10 बजे तो मेरे ख्याल से काम खत्म हो जाता होगा आपका अगर नहीं। बिल्कुल 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 सर, तो 10 बजे वाली क्लास में सीखिए और इसके अलावा कभी छूट जाए तो यूट्यूब बाबा से मतलब आप क्लास ले सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो यही क्लास यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, ठीक है, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें जी, आपका बहुत सर आपका आशीर्वाद सर हमारे ऊपर बना रहे, आपसे इतना कुछ सब सीखने को मिला, आपने बताया कि आकाश तत्व में तो खुले में रहता है तो क्या कहते हैं ज्यादा वो होता है। धन्यवाद जी, ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। ठीक है मंजुलता शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय, आज महाशिवरात्रि की है। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय। सर मुझे पूछना था सर, कुछ दिनों से मतलब मैं थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं चल रहा, मतलब स्किन को लेके थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो सर वो किस वजह से आ रहे हैं? मैडम जी अगले टॉपिक पे मंगलवार को आएगा आपका स्किन वाला टॉपिक राउंड चक्र का, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पहले समझ लीजिए कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो फिर उसके बाद हम सलूशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है सर, ऐसे मुझे फेस में काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैं कभी ठीक हो जाती हूँ कभी फिर ऐसे। कोई बात नहीं मैडम जी, जो आता है तो किसी रास्ते से उसको वापिस भी जाना पड़ता है, प्रॉब्लम आई है तो वापिस भी जाना ही पड़ेगा जी सर। ऐसे मुझे कभी कोई बोलता है तो मैं यही कहती हूँ नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूँ। बहुत बढ़िया जी, यही यही बोलना आना चाहिए हमें। तो बाकी आप 2 दिन इंतजार कीजिए, मंगलवार को हम जब ये क्लास करेंगे तो फिर उसमें आपके आपके सवालों का जवाब ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा जी। जी सर धन्यवाद सर, कृपा बनाए रखिए, बस आशीर्वाद बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और अध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो वीडियो आपको मिलेंगी, अब मिलते हैं हम सोमवार शाम को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।